the direction which comes between east and south is known as southeast. In Hindi, it is known as Agnikon, Agnikon or Agnikon ka naam se bhi jaata hai. Okay. आगने भी बोलते हैं, अग्निकोण भी बोलते हैं, तो बस तो बोथ ऑफ द टर्मिनोलॉजी. लेकिन नहीं तो बता ना कई बार ना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको क्या बोलते हैं. हमें तो यही पता था, हमें वो नहीं पता था. द डायरेक्शन विच कम्स बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, इन दो डायरेक्शन के बीच में जो थर्ड डायरेक्शन आती है, दैट इज नोन एज साउथ वेस्ट. इन हिंदी इट इज नोन एज नैऋत्य कोण. थोड़ा लिख रहा है टिपिकल है नैऋत्य कोण. इसमें एक्चुअली क्या है, वो आप लोग अगर हिंदी जानते होंगे तो के वाला वो बनता है, वो के वाला वो बनता है ना नैऋत्य, उस तरह से बनता है नैऋत्य कोण. अगर आपको अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे तो यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो. नैऋत्य आप इंग्लिश में ले लो, के एन ए आर आई टी वाई ए, नैऋत्य कोण. ठीक है. Then, the direction which comes between north and west is known as Vayavya Kon or Vayu Kon. ठीक है. तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आता है. एक तो बीमारी, वन ऑफ द मेजर इश्यू इज ऑफ हेल्थ. ठीक है, हेल्थ के मेजर इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज पूरी बनी रहती है. दूसरा क्या होता है, दिमागी अशांति बहुत रहती है, मेंटल पीस नहीं होती, घर में शांति नहीं होती. घर की सुख शांति जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब है. कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना, जब अपने घर से बाहर रहते हैं तब तो खुश रहते हैं, अच्छा रहता है आपस में भी, और जब हम द मोमेंट वी एंटर इन टू द हाउस, आने के बाद से सब डिस्टर्ब हो जाता है. एक दूसरे से पता नहीं क्या हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता या झगड़ा शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे इफ़ यू आर हैविंग दैट दिस थिंग ओवर देयर, टॉयलेट ओवर देयर, तो इट इज़ अ बिगर इशू. ये आपकी सक्सेस को भी रोकता है. क्योंकि क्या है, टॉयलेट का मतलब पता है क्या होता है? टॉयलेट का मतलब होता है डिस्पोजल. WC का मतलब है डिस्पोजल. आप वहाँ पे क्या करते हो, डिस्पोज करते हैं. तो यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ के एट्रीब्यूट है सुख शांति, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, सक्सेस, वो आप डिस्पोज कर रहे हो. जब आपने यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा ली, वो डिस्पोज हुई तो पता लगा कि वो आपका सब सुख चैन शांति सब चली गई. एंड इफ यू आर हैविंग अ किचन ओवर हियर, किचन अगर आप यहाँ पे करते हो तो ऐसे घरों में तो कलेश बहुत होता है. अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कलेश बहुत रहता है. दूसरा, बरकत नहीं होती काम में, कमाई में बरकत नहीं होती. कितने भी आदमी इनकम जनरेट कर ले, लेकिन उसको ये लगता है कि मेरी इनकम पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरे को बंद करनी होगी. फिर सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक अगर इधर होता है तो सेप्टिक टैंक इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ इलनेस. बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है सेप्टिक टैंक अगर होता है. यहाँ पे अगर ओवरहेड वाटर टैंक होता है, इट इज ऑल्सो एक्चुअली रॉन्ग. ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे बहुत खराब होता है. एंड स्टेयर्स आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग ओवर हियर. देखिए, आप अपने अपने घरों में चेक करिएगा, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई कबाट खड़ा हुआ है, कोई अलमारी खड़ी हुई है, कोई भारी ट्रंक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, तो आप जाके आज उसे हटाओ, और उसे हटाने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर आप देखना आपको क्या लगता है. ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा तो वो डिस्टर्बेंस होना ही होना है. कुछ भी भारी रहेगा, हैवी रहेगा, ऊँचा रहेगा, तो ना तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना सक्सेसफुल हो पाओगे. डिस्टर्बेंसेस रहने ही रहने, लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी. ठीक है, तो इसको अगर आपको सब कुछ चाहिए तो इसको आपको क्लियर रखना चाहिए. एक और चीज़ खास बात ध्यान रखना आप, कि यहाँ पर ना कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए. इस पार्ट में दिन में तो फिर भी धूप की लाइट रहती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आती है शाम को. ठीक है, शाम के टाइम में यू मस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू शुड पुट अ लाइट ओवर हेयर. एक आप हल्की सी भी लाइट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शाम को या रात को यहाँ पर लाइट जरूर रहनी चाहिए. ये अगर अंधेरा रहेगा तो ये परेशान करेगा. ठीक है, तो
ट्राई टू मेक इट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, और क्लटर फ्री होना चाहिए। यहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। देन कम द सेंटर ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में अगर किसी के कोई भी चीज बनी हुई है, चाहे वो स्टेयर्स है, चाहे किचन है, चाहे बेडरूम है, चाहे टॉयलेट है, तो वो उसको आप कुछ ना भी कुछ कर लो, वहाँ पे कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंसेस रहने ही रहने वहाँ पर। अगर ये कोई भी चीज़ सेंटर में आ गई है तो आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिल्डिंग लें, कुछ भी लें, आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म स्थान शुड बी एम्प्टी। और ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉलम वॉल भी नहीं होनी चाहिए और बीम भी नहीं जाना चाहिए ब्रह्म स्थान के ऊपर। अगर ये चला गया तो डिस्टर्बेंस होती ही होती है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, पेट से रिलेटेड ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इससे रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। तो ब्रह्म स्थान आपका जितना ओपन रहने वाला है, जितना खुला रहने वाला है, उतना आपको फायदा होगा ब्रह्म स्थान का। ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखें। ये खुला रहने से लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाय डिफॉल्ट खुलते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना अपने को कि जैसे हमें लगता है कि हमने कोई कोशिश भी नहीं करी, फिर भी ये काम कैसे हो गया, इतने तो मेहनत भी नहीं कर रहे। तो अगर ये सेंटर आपका ओपन है तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं कि आपकी कोशिश कम होती है और रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसीलिए सेंटर को ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ओपन। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। कमल का फूल होता है, ठीक है, लोटस फ्लावर होता है, एक येलो लोटस फ्लावर ले लीजिए, ठीक है, नॉट लिविंग फ्लावर पिक ले लीजिए येलो लोटस फ्लावर की, और उसको ना स्टिकर टाइप का कुछ बना दीजिए, उसको स्टिकर जैसे होता है, जब गमिंग शीट पे उसको लगा दीजिए, और जो भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे फर्श पे लगा दीजिए, सर वही है। ठीक है, सेंटर के बारे में आपको समझ आ गया। सेंटर पे कोई भी सामान नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, एट एनी कॉस्ट सेंटर निकाल लो आप अपने घर का और बिल्डिंग का। वहाँ पे अगर कुछ भी रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दो आप, ठीक है, वरना ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस आती रहेंगी। और कोई भी ऐसी जगह मत लेना जहाँ पे कोई टॉयलेट किचन और ये सब सेंटर में बना हुआ हो। सेंटर जितना ओपन रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा हमेशा। नाउ वी कम अबाउट द स्मॉल टिप्स वास्तु के, जैसे एक आपको ये पता लग गया, अब आपको क्या कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें भी चाहे टैलेंट टू यू, दैट यू कैन कीप येलो फ्लावर्स इन साउथ वेस्ट। आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए तो साउथ वेस्ट में आप येलो फ्लावर्स रख सकते हो। येलो फ्लावर्स यू कैन पुट द लाइवली फ्लावर्स ऑल्सो एंड यू कैन पुट द आर्टिफिशियल ऑल्सो। नॉर्मली वी यूज टू अवॉइड आर्टिफिशियल प्लांट क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, प्लास्टिक के प्लांट जो होते हैं निगेटिविटी देते हैं। फॉर डेट यू कैन पुट पिक ऑफ येलो फ्लावर्स हो गया, ठीक है, आप एक पिक भी लगा सकते हैं येलो फ्लावर्स की, हो गया नेचुरल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन नेचुरल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन वो फूल तोड़ के भी दे सकते किसको, बाद में लगाने के लिए बाल भी देना पड़ेगा, पहले तो लड़की ढूंढना पड़ेगा। सर आप चीज लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये करेगा कि आपको लेने वाला मिल जाएगा। सर आपके पास ऑलरेडी है ना, रोटी नहीं खाली।
नाउ इसको फूल देना, एक फोटो। हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है मिरर, प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ठीक है, विच आई वॉज टेलिंग टू यू। देखिए आप लोग इंटीरियर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर्स में क्या होता है, वी यूज टू प्ले अ लॉट विद द मिरर्स, है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीरियर्स होता है मिरर का, लेकिन हमें ये नहीं पता मिरर का जो यूज है वो कितनी सावधानी से करना चाहिए। मिरर आपकी लाइफ को बना भी सकता है और मिरर आपकी लाइफ को तबाह भी कर सकता है। मिरर में इतनी ताकत होती है कि यू भी ले जा सकता है और यू भी ले जा सकता है, और इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग इन द लाइफ, एनी काइंड ऑफ थिंग मिरर। इसलिए मिरर्स का यूज बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, जगह जगह बिल्कुल मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिरर से खेलने की कोशिश मत करना बिल्कुल, जगह जगह मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग मिरर्स, ओनली टू डायरेक्शन आर एलिजिबल फॉर कीपिंग मिरर्स, उसके अलावा कहीं भी मिरर लगेगा तो वो नुकसान ही देने वाला है। दो डायरेक्शन कौन सी होती है मिरर्स की, एक तो ईस्ट एंड अदर इज नॉर्थ। मिरर अगर आपको लगाने हैं तो आप ईस्ट या नॉर्थ में ही लगाइए, आपको चाहिए तो आप अच्छा रहता है आप अपने जगह की डायरेक्शन ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, या फिर उस रूम की ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, जो भी आपका रूम रहता है उसकी ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए। लेकिन इसके अलावा आप मिरर कहीं भी लगाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए जैसे अगर आपका मिरर कभी साउथ ईस्ट में किसी का मिरर लगा हुआ होगा, हो गया, आप अपना देखना, किसी का भी हो सकता है गलत लगा हुआ हो, तो ये क्या होता है कि ऐसी जगह पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसी जगह पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हालांकि वो है एक राज, प्रोफेशनल राज ही होता है, बट आई एम टेलिंग टू यू, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग किसी के पास जाते हो, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो आदमी आपसे कहता है तुम्हारे घर में इस डायरेक्शन में क्या रखा है, ये तो नहीं है, आप कहते इन्हें कैसे पता, तो हमारे घर कभी गए ही नहीं, इन्हें क्या मालूम हमारे घर के बारे में, एक्चुअली क्या होता है वो ये सब। अब मान लो मेरे से अगर कोई पूछे आगे मेरे घर पर ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो छुट्टी दो तीन पॉइंट पूछ लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से कोई ना कोई चीज़ क्या होनी है, तो वो सोचेगा अरे इन्हें कैसे पता, वो कहेगा अरे तो बड़े जादूगर है, इन्होंने तो हम जो उनके पास गए थे उन्होंने तो बस पूछते बता दिया तुम्हारे ये है, उन्हें तो सब पता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से भगवान ने आगे हमको वो कर दिया, ये क्या है स्टडीज की बात है, स्टडीज और एक्सपीरियंस की बात है, ऐसा कोई जादू का वो नहीं आता है हमारे पास कि हमसे कोई जादू आ गया, स्टडीज और एक्सपीरियंस होते हैं। बेसिकली क्या है, साउथ ईस्ट में जब भी मिरर लगा हुआ होगा, एक तो एक्सीडेंट के इशू आएंगे, दूसरा क्या है, साउथ ईस्ट का मिरर जो होता है वो फाइनेंशियल लॉसेस लेकर आता है, पैसे की प्रॉब्लम और दिक्कतें लाता है। देखो प्रॉब्लम की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पहले तो आप ये समझ लेना, परेशानी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसी तरह से हैप्पीनेस की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप कहोगे खुशी क्या है, खुशी के पैमाने खुशी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, प्रॉब्लम भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, अगर यही मिरर आपका साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट जगह अगर मिरर साउथ में लगा दिया आपने, साउथ में लगे हुए मिरर से आपकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे जिन लोगों के ऊपर अनवांटेड एलिगेशंस आ जाती हैं, ठीक है, ये बिना बात की बदनामी होती है, ऑफिस में होती है कहीं होती है, तो उनकी साउथ में मिरर होता है, साउथ में मिरर होगा तो एक ही होगा, दूसरा क्या है कि सुकून खत्म होता है, सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होता। आदमी कहता है मैं पता नहीं क्या है, मेरा दिमाग हमेशा परेशान रहता है, मैं हमेशा टेंस रहता हूँ। तो अगर दे आर हैविंग मिरर इन द साउथ, साउथ वेस्ट में अगर मिरर है किसी के, साउथ वेस्ट में अगर किसी ने मिरर लगा लिया, तो साउथ वेस्ट में लगा हुआ मिरर जो होता है, एक तो आदमी के बिजनेस को डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो भी उसका काम है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जॉब है तो जॉब में पता लगा डाउनफॉल हो गया, बिजनेस में डाउनफॉल हो गया, फाइनेंस की बुरी तरीके से लॉसेज होने शुरू हो गए, ठीक है। अगर वेस्ट में मिरर लगा, ठीक है, वेस्ट में मिरर लगा तो सेविंग्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, बच्चों की पढ़ाई और सेविंग्स डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा तो पता लगा कि आपके साथ ऐसे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, दो थिंग जो आपके वेल विशर नहीं होते,
है ना, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी तरीके से हर्ट करना चाहते हैं, आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, तो आपकी सपोर्ट सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगता है। खाली मिरर नॉर्थ में अगर आप मिरर लगा देते हो, नॉर्थ में मिरर लगाने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मिरर लगाते हो तो भी आपके घर में सुख शांति और सुकून लेकर के आता है, ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट में मिरर लगाते हो तो आपके सोशल कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, आपका नेम फेम अच्छा हो जाता है। इसीलिए मिरर्स को बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, सीलिंग मिरर्स नहीं लगाना चाहिए, जगह जगह मिरर्स नहीं लगाना चाहिए। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके बेडरूम में बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कभी भी, नेवर एवर, ठीक है। जिनके भी बेड के सामने मिरर होता है, जब ये हमारा बेड है, ये सामने मिरर है, या मिरर बेड मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप सपोज आपका, तो क्या होगा, लेटर और सुनर वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम्स, फिजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। या अगर वो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टर्बेंसेज आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए बेड के सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अवॉइड, अगर है तो आप उसको कवर करके रखिए। बाय द टाइम यू आर स्लीपिंग ओवर देयर, दिन में इतना कोई इशू नहीं बनता, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो तो आपको उसको कवर कर देना चाहिए। इवन बेड के सामने टीवी भी नहीं होना चाहिए, टीवी ऑल्सो वर्क लाइक अ मिरर। मतलब किसी में झगड़ा लगाने का हस्बैंड वाइफ में, उसके घर में मिरर लगा दो उसके बेड के सामने, आपको सर कोई पैसे नहीं दे रहा हो ना क्लाइंट, आपको मेरे घर में डिस्टर्बेंस करा, नहीं सर किसी का नुकसान नहीं करना। क्लाइंट लोग काफी टाइप के जो है ना, जैसे हम लोग मूड लाइटिंग करते हैं बेडरूम में, मूड लाइटिंग होती है, मिरर की भी डिमांड रहती है उन लोगों की, काफी लोगों की रहती है। तो सर मैं बताता हूँ, अगर जैसे, हाँ अगर जैसे मैं बताता हूँ, देखिए हमारा जो फर्ज है ना, हमारा फर्ज ये है कि हम सही बात बतानी जरूर चाहिए, आप मानते हो या नहीं मानते हो आपका आपकी बात है, लेकिन अगर अपने को कोई सही बात बताया तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि भाई एटलीस्ट हम आपको गाइड तो जरूर करेंगे कि देखिए ये गलत है, ऐसा मत करिए। और इन केस अगर वो फिर भी नहीं मानते तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मिरर ऐसे लगाना चाहिए जिससे उसमें बेड रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे मैं मान लीजिए ये बेड है सपोज, ठीक है अपन ऐसे सो रहे हैं, ये बेड है ना जैसे सो रहे हैं, सामने अगर मिरर लगा तो बेड रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बेड अगर इस वाली वॉल पे लगा तो बेड उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, मिरर लगा तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। या बेड अगर इस मिरर इस वाले कॉर्नर पे लगेगा, ऐसे लगा तभी बेड रिफ्लेक्ट नहीं होता, बेड उसमें दिखना नहीं चाहिए। और मिरर को कोशिश यही करनी चाहिए ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे ही लगाना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ वॉल के अलावा अगर आप कहीं भी मिरर लगाते हो तो वो डिस्टर्बेंस करते ही करता है। क्योंकि मिरर के अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो किसी भी चीज़ को 16 टाइम्स बड़ा कर देता है, ठीक है, इसीलिए सही डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ा देगा, गलत डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की बैड एनर्जी को बढ़ा देगा, इसीलिए मिरर नहीं लगाते। साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज द जोन ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब इसका एलिमेंट अर्थ होता है, ठीक है, तो वाटर इन दिस जोन कैन डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। पानी इस डायरेक्शन का, जो पानी होता है, पानी का मतलब ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बाथरूम, ठीक है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। ये ड्राई डायरेक्शन जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी ओवर हियर, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाने चाहिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द बाथरूम, दैट इज घड़ी, क्लॉक, ठीक है, घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है,
देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल में लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। तो घड़ी को कभी भी, और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए घड़ी, साउथ वॉल पे नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जीज को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज, अगर आप ईस्ट में लगाते हो इट शुड बी ऑफ स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप की होनी चाहिए। एंड इफ यू आर पुटिंग द वॉल क्लॉक ऑन द नॉर्दर्न वॉल इट शुड बी ऑफ नॉर्थ रेक्टेंगुलर शेप। अगर किसी वजह से वेस्ट वॉल पे लगानी पड़े तो राउंड शेप होनी, नॉर्थ में राउंड नहीं, नॉर्थ और ईस्ट में राउंड नहीं लगाना चाहिए, वेस्ट में अगर लगाना। अगर कभी मजबूरी है, अपने पास चॉइस नहीं है, वेस्ट में लगाना पड़ा तो फिर राउंड शेप लगा। एक आज मैं आपको और टिप देता हूँ, बहुत अच्छा टिप है, यूजफुल टिप है, एंड इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस। ठीक है, वी यूज टू कॉल देम मैजिक टिप्स, जिनको मैजिक टिप बोलते हैं वास्तु में। आप अपने घर के, अपनी बिल्डिंग के वेस्ट में एक राउंड वॉल क्लॉक लगाइएगा, ठीक है, और उसका जो आउटर डायल होता है ना, आउटर जो रिंग होता है, दैट शुड बी ऑफ गोल्डन कलर और येलो कलर। अरे मतलब बिल्डिंग में क्या हुआ? ठीक है, वेस्ट में अगर आप वो लगाते हो राउंड क्लॉक लगाते हो तो, और येलो या गोल्डन अगर उसका आउटर होता तो वो आपके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है, बहुत बेनिफिट देता है। आप ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने जाकर के, खाली आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तभी आपको लगने लगेगा कि आपको बेनिफिट होने शुरू हो गए। आप ये करिए और देखिए, दो दिन में कोई चीज नहीं बदलती, पहली बात आप ये समझ लीजिएगा। वास्तु कोई जादू नहीं होता कि कोई करे और तुरंत छड़ी घुमा दी और जादू हो गया, टाइम लेता है एनर्जी का बैलेंसिंग होने में, लेकिन एक बार एनर्जी की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है फिर चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देती है। तो आप ये लगा करके देखिए। हाँ सर, समवन सेज दैट कि बीम के ऊपर अगर वॉल क्लॉक लगाए तो अच्छा नहीं होता, बीम या हाँ बीम पर, बीम पे भी नहीं लगानी चाहिए और इस पे भी नहीं लगानी चाहिए, ये एंट्रेंस हाँ, मतलब कोई डोर एंट्रेंस, कोई डोर एंट्रेंस है, सपोज जैसे ये डोर एंट्रेंस है तो अभी तो इसके ऊपर तो वॉल नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर वॉल रहती है तो इसके ऊपर भी नहीं लगा। सर एंट्रेंस के सामने लगाए तो? एंट्रेंस के सामने लग सकती है, लेकिन एंट्रेंस के ऊपर नहीं लगा, मतलब अवॉइड करना चाहिए कि जो डोर है उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हाँ जैसे आप समझिए, सपोज ये डोर है, कोई भी एंट्रेंस हो, खाली ऐसा नहीं बाहर के एंट्रेंस, ये हमारी रूम की भी एंट्रेंस है तो इसके ऊपर नहीं लगानी चाहिए, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, ये दोनों जगह से आपको कभी भी भूल जाना चाहिए, वॉल क्लॉक नहीं लगानी चाहिए, घड़ी कैलेंडर कभी नहीं टांगना चाहिए। लगाए तो क्या कुछ होते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है लगाए तो? देखिए मैं बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, हमारा एक वॉल क्लॉक था ना वो डोर के ऊपर ही था, बार बार बंद ही पड़ता, चलता ही नहीं था। देखिए वो तो खैर बंद और उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो
चांस भी हो सकता है कि वो बंद हो गया. इट्स नॉट बीइंग लाइक दैट कि ऊपर लगेगी तो चलेगी नहीं. सर लॉजिकली क्या होता है, जैसे सपोज ये एंट्रेंस है, यहाँ पे हमने घड़ी लगाया या कोई भी चीज़ टांग दी, कभी ऐसा होता है वो कील कमज़ोर हो गई, कुछ हो गई, आप जा रहे हो तो पता लगा आपके ऊपर ही गिर गई वो, है ना. तो इट कैन हार्म यू, है ना. पता नहीं होता ना कभी वो कील कमज़ोर हो गई, कुछ भी हो गया तो वो गिरती तो हार्म भी कर जाती है. इसीलिए आपके सिर के ऊपर आने जाने के रास्ते के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं लगा. साइंटिफिकली है, मतलब बेसिकली एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकल हैं जिनको हम दूसरी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर देते हैं कि उसको आदमी डर से तो किसी चीज़ को मान लेता है, कई बार साइंस की वजह से आदमी नहीं मानता, डर से आदमी ज़्यादा मानता है चीज़ों को, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. तो इसीलिए आपको उसके ऊपर वो घड़ी नहीं लगानी. अच्छा, कट ईस्ट, कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से, इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए, है ना. तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब वास्तु के हिसाब से क्या है कि सारी चीज़ें पूरी 90 डिग्री एंगल होने से सारी. अब पता लगा वो इस तरह से हो गया. ठीक है, इस तरह से हो गया, तो ये कट हो गया पार्टी. तो ये जो कट पार्ट होता है कभी भी अच्छा नहीं होता, मिसिंग पार्ट्स इनको बोलते हैं वास्तु में, दे आर नेवर गुड, क्योंकि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, है ना. अगर वो कट हो गया तो यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम होने से क्या है, तो उससे होने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमें नहीं मिल पाते, वो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं. तो दिस इज नोन एज कट ईस्ट. कट ईस्ट ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी ऊपर जो होती है, ये डस्टबिन, डस्टबिन अगर अपन लोग रख देते हैं, डस्टबिन स्टोर रूम ईस्ट में अगर होता है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है. ठीक है, हेल्थ इश्यूज आते हैं. एक और चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नेवर एवर कीप योर डस्टबिन नियर द एंट्रेंस. एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए. देखो डस्टबिन में क्या होता है, शिट जाता था, है ना. और हमारे किसी भी बिल्डिंग में जो कुछ भी आता है वो एंट्रेंस ही आता है, अच्छा या बुरा जो भी एनर्जी आती है वो एंट्रेंस ही आती है. तो अगर आप डस्टबिन रखते हो तो यानी डस्टबिन क्या है, वहाँ पे आने वाली एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है. तो इसलिए एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए, डस्टबिन हमेशा अंदर होना चाहिए. इट इज़ बीइंग सेड कि आपको डस्टबिन कभी नहीं दिखना चाहिए, झाड़ू और डस्टबिन कभी दिखने नहीं चाहिए आपको. मानो सपोज अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन लोग इस ऑफिस में आते हैं, पता लगा यहीं पर डस्टबिन रखो, बास बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू करो, तो आप ही लगा करके देखिए. हाँ, है ना.
ऐसा नहीं होता ना कि कभी व्यक्ति कमजोर हो गई, कुछ भी हो गया, तो व्यक्ति तो आराम हो जाती है। इसीलिए आपके सिर के ऊपर आगे जाने के रास्ते साइंटिफिकली ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें साइंटिफिकल है, जिसको उसी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर लेते हैं कि उसको आपकी डर से तो किसी चीज को मान लेता है, लेकिन साइंस की वजह से आपकी नहीं मानता, डर से आप ज्यादा मानता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इसीलिए आपको ऊपर बड़ी हो गया। अच्छा कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से एक कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए, है ना। तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है साउथ वेस्ट में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। ये ड्राई डायरेक्शन जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा, स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी और वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द वास्तु, दैट इज घड़ी क्लॉक। ठीक है, घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात करते हैं। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है। देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती जो आपको ध्यान रखनी होती, एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है घड़ी, तो घड़ी को कभी भी और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए। साउथ वॉल पे नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जी को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज, अगर आप ईस्ट में लगाते हो या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, चाहे हम अपने एग्जाम्स में मेहनत करें, चाहे हम अपने जॉब में मेहनत करें, चाहे हम अपने बिजनेस में मेहनत करें, तो कई बार क्या होता है डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिल पाते, है ना। हम करते चले जाते लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं हो पाती, जैसे आप लोग जैसे सपोज इंटीरियर डिजाइनर्स हैं तो आप लोगों का जितना पीआर अच्छा होगा, पब्लिक रिलेशंस आपके जितने अच्छे होंगे उतने ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उतने ही आपके पास कस्टमर्स आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, उतना काम बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली एक शॉपकीपर के लिए भी जितने रिलेशंस अच्छे होंगे उसके अपने कस्टमर्स से, उतना उसको बेनिफिट होगा। तो हमारे रिलेशंस आपको क्या फील आएगी, खराब फील आएगी ना ऑफिस में घुसते ही, देखोगे आप एक नेगेटिव चीज़ दिख रही है आपको तो आपको गलत इम्प्रेशन आता है, और उसकी जगह अगर आपके यहाँ पे कोई बहुत फ्लेवर्ड चीज़ है
तो आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए एंट्रेंस के पास कभी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। एक और कॉमन इशू जो आता है, जो जो भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके साथ आता है, शू रैक का, वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि शू रैक शूज अंदर जाते नहीं है और इतनी स्पेसेस होती नहीं कि आप शू रैक को कहीं और रख पाओ। तो हम चाहें या ना चाहें, लाइकली और अनलाइकली, शू रैक हमेशा एंट्रेंस के पास ही होती है। आइडियली एंट्रेंस के पास शू रैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूते क्या होता है, बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से पता नहीं हम जमीन में चल के जाते हैं कितनी सारी एनर्जीज को लेकर के जा रहे हैं। वो सारी एनर्जीज जो है हमारे घर के दरवाजे पे आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसका क्या तरीका है, शू रैक इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड। तो हमें बंद वाला शू रैक बनाना चाहिए, ठीक है, क्लोज शू रैक बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास। अगर रखना मजबूरी है तो बंद, जिसमें शूज दिखाई ना दे, ओपन शू रैक कभी मत रखिएगा। और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होने चाहिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं होने चाहिए फैले हुए जूते चप्पल, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप उस शू रैक के ऊपर यू कैन पुट सम फ्लावर्स ओवर देयर टू मेक इट मोर पॉजिटिव, उसको आप पॉजिटिव करने के लिए आप उसको कोई प्लांट प्लांट्स उस पर रख सकते हो, थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाएगा कि आपको भी घुसते हुए बुरा ना लगे, आपको भी अनइजीनेस फील ना हो, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है, जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का, नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, दैट इज क्लटर, कबाड़ भंगार, ठीक है, जो कि हमारा ध्यान ही नहीं देता। क्लटर में खाली यानी कूड़ा, क्लटर का मतलब ये होता है वो चीज़ें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से, वो भी क्लटर में आते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर ओनली, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी अनयूज चीज़ें जो आपको यूज ही नहीं करनी है वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, निकालते नहीं है, वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है, ठीक है। घर पे पुरानी वाइफ रहे तो सर हस्बैंड भी तो पुराना होता है सर, पॉइंट है, चलेगा ना, हस्बैंड एज में ज्यादा बड़ा होता है, चेंज कर लो सर, पुराना होता है सर, सुनिए मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना वो बच्चों से पूछ रहे थे। अच्छा, देखिए हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा, लेकिन बच्चों को क्या, पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो सही बता सकते हैं। कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं चाहिए, वो हमेशा कहेगा पेरेंट्स से नहीं मम्मी चाहिए क्या ये भी, और ये भी पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं चाहिए, पापा नहीं, पापा यही सही है, मम्मी चिल्लाती है पापा नहीं चिल्लाती, सब प्यार भी मम्मी करती है पापा को नहीं बच्चों को, पापा ले लेके कोई बात नहीं, तो पापा ने जैसे मैंने बताया ब्लू ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में, वाटर बॉडी बोरिंग साउथ और साउथ ईस्ट में, फाइनेंस और कंसीविंग की भी प्रॉब्लम, कंसीविंग मतलब जैसे चाइल्ड इश्यूज होते हैं ना कि कई बार जैसा कि भाई कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगर कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर लगे कि भाई कंसीविंग ही नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, तो देट कैन बी वन, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर देट, तो इसको भी जरूर चेक करना चाहिए। और फीमेल हेल्थ, अगर कहीं पर लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो ये जरूर देखना चाहिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लटर, एक चीज़ हमें ध्यान रखिएगा, अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आज की तारीख में, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं। तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना इंसोमेनिया होता है, लोगों को सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, या सपने बहुत खराब खराब आते हैं,
ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना, कि बस 2 घंटे सो पाते हैं, 3 घंटे सो पाते हैं, नींद नहीं आती, अनरेस्ट रहता है। तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट कि बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई है, उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। बेड में सिर्फ आपके लिनेंस होने चाहिए, यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए। आप भले अपने पहनने के कपड़े रखें, आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें, कुछ भी रखें, लेकिन वही चीज़ रखें जो यूजेबल हो। लेकिन कोई भी क्रॉकरी, मेटल, ये सारी चीज़ें कभी बेड के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बेड के अंदर रहेंगी तो ये निश्चित तौर पर आपके सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है, हेल्थ इश्यू पर टर्न अप हो जाता है। कोई भी चीज लंबे समय तक चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी। इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं होना चाहिए। जितना कबाड़ घर में रहेगा, जितना अनसिस्टमाइज चीजें रहेंगी, उतना आपको डिस्टर्ब होगा। अच्छा, दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली। पीपल दोज आर बॉर्न ऑन 9th or 18th or 27th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होता है। बाकी के दिन बहुत पैदा हुए, बाकी के और भी दिन बहुत लोग पैदा हुए। आपके लिए मून 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 हाँ चांद पे जो नहीं नहीं फुल मून की पिक्चर, फुल मून। अच्छा, आप अगर मैं मून लगाऊंगा तो मेरा चांद दिखेगा मेरे को। हाँ, आप अगर फुल मून की पिक्चर लगाते हैं अपने मोबाइल में वॉल एज ए वॉलपेपर तो ये आपको बेनिफिट देगा। नहीं मतलब ये चांद तो नहीं देखते, ये वाला चांद देखते, वो वाला चांद जो ऊपर जो सबके लिए चांद है। आपको पसंद है तो वो चांद करवा के रख लो, कोई बात नहीं। तो इसमें एक शेर बोलता हूँ, तुम चांद जैसी हो, तुम चांद जैसी हो, नूर भी बुलूर भी और दूर भी। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा होता होने लगे, और पता है आपको आप जो किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, ठीक है, किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबर्ड खुलवा के देखते हैं, उसकी कबर्ड खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते हैं कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो क्या सोचता होगा, कैसे रहता होगा, क्या काम करता होगा, उसी सिर्फ कबर्ड खुलवाने से पता लगता है। कैश दिखता है उसमें, कैश देखते कैश नहीं सिर्फ कपड़ों वाली को कैश देकर मालूम पड़ेगा ना कितना पैसा कैसा रहता है। सर कपड़ों वाली कबर्ड खुलवा के पता लगता है, कैश वाली दिखा दो, कैश पूरा मालूम पड़ेगा। सर मैं आपको सही बताऊँ, अब दिखाते तो कैश वाली भी है, वो तो दिखाती है भी कोई पर्सन है बताता तो है कि हमने कैश लाइव लोकेशन भेज दिया था तो क्या होता है कि आप उसकी कबर्ड को देख के आप पता लगा सकते हो कि उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज बता सकते हो। देखिए क्या है, उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताए। अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा, और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज है। इसीलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए, स्पेशली वाइफ लोग बताते हैं कबर्ड तो अपनी जगह है उसकी, कपड़े रखना जो भी मेरा। आप कितना परेशान करते हैं आपके वाइफ को समझ में आ जाए। ये तो वो है न्यूमरोलॉजी के टिप्स है कि इन दिन गेट्स पे जो बोर्ड होते हैं उनको ये सब करना। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ वास्तु के हिसाब से, जो सर आ गया फुलमून आ गया 2/11/2029 फुलमून आ गया था, पूरा चांद आ गया था।
एक और लाइफ चेंजिंग टिप बता रहा हूँ जिसको करने के बाद आपको लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका डोर होता है, ठीक है, मेन डोर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाटएवर इट इज, मेन डोर पे ये मेन डोर है, एक लाइट आपको बाहर लगानी है इसके घर से और एक लाइट अंदर से लगानी है आपको मेन डोर, ठीक है, दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए, फॉल जो डाउन लाइट होती है ना, डाउन लाइट छोटी बड़ी कुछ नहीं, नहीं सर बहुत मिनिमम 3 वॉट की लगा लीजिए, बस बड़ी की कोई जरूरत नहीं। और उसको ना उसको वार्म लाइट लगानी है, वार्म लाइट लगानी है और वो आपको क्या करना है, पूरी रात जलाइए उसको, ये शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको जला के लगाइए, ये करिएगा आपको विद इन 21-30 डेज के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट होना शुरू, बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, ठीक है, बट लाइट की जो फॉल है वो आपके डोर पे इधर आनी चाहिए, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा जो डाउन लाइट, ठीक है, आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छे रिजल्ट। ये छोटे छोटे टिप्स इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो आसानी से, बिकॉज आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट इनटू द वास्तु, तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है, कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम, बट देन यू टेल मी, आप अपने आप डायरेक्शन से आपको समझ में आई गई है, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स बताया मैंने आपको जिनसे आपको बेनिफिट होगा। नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क, आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। एक मैंने ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दी है क्योंकि वास्तु तो बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 hours ओनली, है ना, इट टेक्स टाइम, बहुत सारी अनटच्ड चीज़ें हैं जो हमने अभी टच ही नहीं कर ली है, इतने आश्चर्य है कि आप जब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है, ऐसा भी होता है, फिर आप अपने घर की चीज़ों को देखना शुरू करते हो, अरे ये तो यहाँ ऐसा है, ये वहाँ ऐसा है, तो आपको समझ में आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना, बट वो हम बाद में कभी करेंगे। नंबर दे सकते हैं आप इनको, कुछ रहेगा तो कुछ भी करेंगे। हाँ यू कैन टेक माई नंबर 98 376 3 4 9 8 4 जो आए थे यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, वो वास्तु विजिट के लोधा वाला है ना सर, लोधा वाला में थी, पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मिला, 15 साल हो गए सर, 16 साल हम लोग ने इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, नेरोल गई है छोटे हमारा जो फ्लैट्स होते हैं आजकल, जो फ्लैट सिस्टम में उसके अंदर में रूम होते हैं किसी का 2 BHK 3 BHK, सो व्हेन यू आर सीइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस है, जैसे नॉर्थ को हमको ओपन रखना है, अगर बेडरूम है या अगर रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ कैबिनेट बना दे तो इज दैट ओके, या शूड सी ओनली द नॉर्थ ऑफ दैट एंटायर प्लॉट? देखिए नॉर्मली तो हमें नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट देखना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट करते हो आप तो वो भी अपने आप में सफिशियंट होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन साथ ही साथ हमें जो
एक हर यूनिट को एक पूरा वास्तु मान के हम चेक करते हैं। हम जब किसी भी जगह का वास्तु करते हैं, सपोज ये ऑफिस है, अगर हम इसका वास्तु करेंगे पहले तो पूरी यूनिट का देखेंगे, फिर वील सी द सर्च चैम्बर ऑल्सो, ये चैम्बर का नॉर्थ कैसा है साउथ कैसा है, तो उसको भी देखना चाहिए एज मच एज इट इज पॉसिबल, तो वी कैन कीप इट लाइक दिस, उस हिसाब से करते हैं। तो हम जो मेडिसिन जो होते हैं कहाँ रखनी चाहिए इसका भाई कुछ? हाँ, मेडिसिन की तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। मेडिसिन अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं रखेंगे तो जीवन और मेडिसिन खत्म नहीं होती, बढ़ जाती है मेडिसिन। मेडिसिन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ अगर आप उनको सही डायरेक्शन में नहीं रखते। इसलिए जो आपको कहता है ना, हर चीज़ के लिए जगह होती है, हर चीज़ के लिए। मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो यू कैन कीप इन नॉर्थ ईस्ट। अगर आप नॉर्थ की इसके नॉर्थ की तरफ अगर आप मेडिसिन रखते हो तो क्या होता है, उन मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ जाती है, जो हीलिंग उनसे वो मेडिसिन खाए थे, जो हीलिंग आपको 4 दिन में होती थी वो हीलिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि वो हीलिंग आपको 3 या 2 दिन में हो जाती है। उनके अंदर की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है मेडिसिन की। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन को चेक करके मेडिसिन रखवाते हैं, तो जैसे सपोज एक पर्सन वॉज ईटिंग हैविंग 10 टैबलेट्स पर डे, तो पता लगा वो 2 या 3 टैबलेट्स पी आ गया और हील हो गया, जल्दी क्योर हो गया। तो प्लेस ऑफ की भी मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बात थी, और उसको अच्छे से ध्यान से देते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने बेड से, जो लोग अपने पे हेड साइड पे मेडिसिन रखते हैं उनकी मेडिसिन कभी खत्म नहीं होती। हमारी मेडिसिन किचन में उसका इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, किचन में अगर आपकी मेडिसिन है तो फिर आप मेडिसिन खाने की तरीके से खाना शुरू कर दोगे। बिल्कुल जैसे आदमी को लगता है ना खाना खाना जरूरी है, ऐसे आपको लगेगा कि दवाई खाना भी जरूरी है। किचन में कभी भी मेडिसिन नहीं, बेडरूम में होनी चाहिए या और किसी जगह होनी चाहिए? नहीं, बेडरूम में नहीं, मैं आपको बता दूँ, मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो पहली कोशिश आप ये करिए आपके अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उस पर टूवर्ड्स नॉर्थ रखिए मेडिसिन अगर पॉसिबल है तो। कोशिश यही करिए मेरे लिए बाहर रखने की। इन केस अगर वो पॉसिबल नहीं है, 1% में नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो अपना बेडरूम है उसके नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में रखिए। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको फर्क आएगा, आपको फर्क पता लगेगा कि पहले रखी हुई मेडिसिन और अब की रखी हुई मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। सर ये कैमरा कहाँ रखना चाहिए? सर लाइक इन साउथ वेस्ट आपने बोला था मास्टर बेडरूम्स के लिए तो यू शुड अवॉइड ब्लू कलर्स का एनीथिंग, तो सोफाज एंड ऑल भी। तो जैसे हमारा लिविंग रूम ईस्ट में है तो लाइक उसके लिए कलर्स कैसे रहेंगे? मतलब ईस्ट में ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर ईस्ट। ओके, ठीक है, तो लिविंग रूम ईस्ट में तो हमें ब्लू, मतलब ब्लू नहीं, ग्रीन, ब्लू नहीं, ब्लू इज मोस्टली अवॉइड, ग्रीन क्लियर। ब्लू इज गुड इन नॉर्थ, गुड इन नॉर्थ। Blue, you can keep in north, northwest, you can keep, even in west also you can keep blue. But in east, southeast and south and southwest, blue should not be there. Sir, kitchen mein jo herb sink aur refrigerator ki aapne jaise bola tha, wo placements kaise hone chahiye? Haan. Haan, kitchen mein aise hone chahiye. देखिए किचन में प्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड सिंक गैस शुड बी लाइक दिस, ऑपोजिट साइड में, एल शेप में, नॉट ऑपोजिट, एल शेप में, ऑपोजिट कभी नहीं, लाइन में नहीं आना, एक लाइन में नहीं आना। एंड व्हाट इफ अगर ऐसा रीजन हो कि यू हैव टू कीप इट ऑपोजिट, सो यू टू कीप इट ऑपोजिट रखना पड़ा जस्ट इन केस, तो इज देयर ओके? ऑपोजिट अगर रखना पड़ा ना तो एग्जैक्टली ऑपोजिट मत रखिए आप, डायगोनल कर दीजिए उसको। एंड व्हाट अबाउट द रेफ्रिजरेटर? Refrigerator is also the same. Same. Anything मतलब cross में? हाँ, actually वैसे ये triangle ही होता है इसका। Okay, okay. Actually में क्या होता है, ये हो गया, ये fridge हो जाता है आपका। It comes like this. Triangle होता है ये। Okay.
मतलब आइडियली एज पर वास्तु का प्लेसमेंट करते हैं। हम लोग डिजाइन कराते हैं जो बड़ी बड़ी किचन बंगलो वगैरह में रहती है, तो उनमें तो क्या होता है कि आपके पास स्पेस होता है, अब कोई किचन ही 15x15 की बना रहा है तो उसमें तो आराम से मैनेज कर लेता है ना, क्योंकि बंगलो में तो 15x15 20x20 फुट की किचन होती है, बड़ी भी हो जाती है। अभी तो क्या हो गया है, अभी तो जो वेल एफ्लुएंट पीपल है दो दे यूज टू मेक टू किचन, एक इंडियन किचन और एक यूरोपियन किचन। तो उसमें क्या रहता है, जो जो कढ़ाई वाला काम रहता है ना, तलाई तलने और सब वाला, वो तो इंडियन किचन में होता है, तो उसको इंडियन भी बोलते हैं, सर्वेंट किचन भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी कुकिंग भी ज़्यादातर मेड्स ही करती है, और उनकी जो किचन होती है दूसरी कॉस्मेटिक किचन होती है। कॉस्मेटिक किचन इज मेजरली यूज फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो माइक्रो वाइक्रो करने के लिए होती है। तो इट इज़ बिंग लाइक दैट। अभी तो क्या, लिविंग पैटर्न्स आर चेंज ऑफ पीपल, बट वो बंगलोज में होते हैं। तो आइडियली किचन इस तरह से होना चाहिए आपको कि आपका किचन में गैस जो है शुड बी इन द ईस्ट एंड सिंक शुड बी इन द नॉर्थ। एक ही साथ ये सिंक और ये है गैस है वो काफी थोड़ा मतलब लेंथ में ज्यादा है, तो जैसा ये कॉर्नर पे गैस है शिफ्ट पे और ये कॉर्नर पे जैसा सिंक है डिस्टेंस ज्यादा है। अगर देखिए ज्यादा डिस्टेंस है सपोज, मतलब डिस्टेंस बोले तो मतलब 2-3 फुट का तो ज्यादा नहीं मानते, छह सात फुट का है तो फिर भी इम्पेक्ट कम होता है, बहुत ज्यादा बगल बगल होता है तो वो खराब होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फ्लैट्स वगैरह में किचन साइज ही बहुत बड़ा नहीं होता। हाँ, तो उसके क्या सोल्यूशन है, जैसे जो लॉन्ग किचन होते हैं जिसमें हम एक ही साइड टेबल बना सकते हैं, वॉकिंग इशू हो जाएगा अगर दूसरे साइड भी रखेंगे, एल भी नहीं रख सकते जस्ट इन केस वहाँ पे कुछ और है, तो उसके लिए कैसे सोल्यूशन? उसके लिए तरीका ये होता है, अगर सपोज इन एनी केस आपका वो आते ही पास में, तो आप बीच में एक पार्टीशन सॉर्ट ऑफ पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है, आप चाहे वो ग्लास का कर दीजिए चाहे वो पत्थर का कर दीजिए, एनी काइंड ऑफ पार्टीशन कैन बी डन, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप चीज़ों को ना अवॉइड नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो दैट कैन बी डन। मैडम ये बता दीजिए, मेरा स्टेशन Anybody else? Questions? किसी को तो पूछो। और अभी अक्सर सर इंटीरियर में जैसा रंग हो जाता है नीचे कारपेट जैसा बोलते हैं रंग, तो वो एक्चुअली कहाँ पे मतलब जैसे बोल रख सकते हैं, जैसा सोफे के नीचे सेंटर टेबल के नीचे एक रंग से होती है वो, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट है वहीं पे रखने का कि और जगह शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए रग्स और कारपेट जो होते हैं सर, आप रुके जाना नहीं, हम 2-5 मिनट में सारे स्टूडेंट्स भी रुक जाएंगे। रग्स एंड कारपेट्स आर बेटर टू बी केप्ट इन साउथ और साउथ वेस्ट, कभी भी ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में कारपेट मत डालिएगा, परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ कारपेट इन नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज बैड, वो आपको क्या करेगा, एक तो पैसे का नुकसान करेगा और डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ करेगा। वहाँ इट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इन साउथ और साउथ वेस्ट। सर जैसे कि अभी तो मतलब छोटे घर होते सबके, किचन बेड एंड 3 रूम, तो एग्जैक्टली हमारी जो पूजा रूम होती है उसका मतलब डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए? नहीं, अगर मतलब स्पेस कम है, किचन और हॉल हमारा एक साथ है, तो उसको प्लेस कैसे करना चाहिए, या लिविंग में या किचन में? लिविंग में, किचन में पूजा कभी नहीं है, पूजा और अर्चना दोनों, पूजा और अर्चना दोनों, आराधना भी नहीं होनी चाहिए, स्तुति भी नहीं होनी चाहिए। एक बार आज का वो जोक चल रहा था ना, वो बोलते ना ऑफिस में जाके मेरे को आज छुट्टी चाहिए, उसका बॉस पूछता है कि क्यों छुट्टी चाहिए 14 फरवरी को तुमको,
तो बोलते हैं कि मेरे घर में आज पूजा और अर्चना होगी। सरस्वती सब सब लक्ष्मी तो सब बाकी समझ जाते हैं। कापिज कहाँ अवॉइड करना है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। सर पहले के टाइम में जैसे एलईडी नहीं था लाइट में, पहले ऑरेंज कलर का लाइट आता था हॉल में, तो अभी जो एलईडी जो लगाते हैं तो क्या ऑलमोस्ट मतलब जो है शिफ्ट करने का, तो हर एक जगह में एलईडी यूज कर सकता हूँ कि कहीं कहीं ऑरेंज लाइट जैसा बेसिकली हमको? ऑरेंज लाइट तो पहले भी कभी नहीं थी, ऑरेंज नहीं होती है, वार्म लाइट थी, बल्ब की लाइट वार्म लाइट होती थी। नहीं ऑरेंज लाइट भी एक होती है थोड़ी वार्म के भी थोड़ी सा आगे जाती है, थोड़ा ऑरेंजिश दिखते हैं, येलोइश दिखती है, येलोइश हां ज्यादा मतलब ऑरेंज के थोड़े बहुत नजदीक। नहीं वो तो देखिए अगर आप पर्पली कोई कलर का लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग बात है, जैसे कोई ग्रीन लगाता है, कोई ब्लू लगाता है, कोई रेड लगाता है, वो तो अलग बात है। अगर आप जनरल देखेंगे लाइट ये तो व्हाइट होती है, ये वो येलोइश लाइट होती है, उसके अलावा तो कोई लाइट होती नहीं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ, बेसिकली क्या है कि जैसे लाइट्स में ना जैसे ये वाइट लाइट है या हल्की येलोइश वार्म लाइट है वो तो कभी नुकसान नहीं करती, लेकिन इसके अलावा आप जैसे अगर लाइट लगाते हो ब्लू कलर लगाते हो या रेड कलर लगाते हो ग्रीन कलर लगाते हो तो ये सॉरी तब लगवाई जाती है जब हमें इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। ये हम डायरेक्शन वाइज लगाते हैं, अगर कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है, तब हम यहाँ पे लगाते हैं। आइडियली एंट्रेंस के पास शोरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूते क्या होता है बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से पता नहीं जमीन में चलते जाते हैं कितनी सारी एनर्जी इसको लेकर के जा रहे हैं, वो सारी एनर्जी जो है हमारे घर के दरवाजे पे आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। उसका क्या तरीका है? सूर्य इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड, तो हमें बंद वाला सूर्य बनाना चाहिए, तो सूर्य बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास। अगर रखना मजबूरी है तो बंद, जिसमें शूज दिखाई ना दे ओपन सूर्य कभी मत रखिए, और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होते, नेवर एवर, कभी भी नहीं होते फैले हुए, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप उस सूर्य के ऊपर यू कैन पुट सम फ्लावर्स ओवर देयर टू मेक इट मोर पॉजिटिव, उसको आप पॉजिटिव करने के लिए आप उनको तो प्लांट पर रख सकते हो, थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाएगा कि आपको भी देखते हुए बुरा ना लगे, आपको भी अनइजीनेस फील हो, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है, जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का, नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दैट इज क्लटर, कबाड़ भंगार, जो कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्लटर में खाली यही कूड़ा, क्लटर का मतलब ये होता है वो चीजें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से, वो भी क्लटर में आते हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर ओनली, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी अनयूज चीजें जो आपको यूज ही नहीं करनी है वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, निकालते नहीं है, वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है, ठीक है। घर में पुरानी वाइफ रहती है, हस्बैंड भी तो पुराना होता है सर, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना वो बच्चों से पूछ लेते, हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा लेकिन बच्चों को क्या पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो सही बता सकते। कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं, वो मेरे बच्चों से नहीं मम्मी चाहिए, ये भी और ये पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं, पापा नहीं, पापा यही सही है, मम्मी चिल्लाती है पापा नहीं चाहिए सब प्यार में मम्मी के पापा हो।
पापा नहीं करते हुए तो ने बताया ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में वाटर बॉडी बोरिंग साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में फाइनेंस और कंसीविंग की प्रॉब्लम कंसीविंग मतलब चाइल्ड इश्यूज होते थे केवल नहीं कंसीविंग नहीं हो पा रहा है तो इसके रीजन ये भी हो सकता है अगर कहीं पर ऐसा है कहीं पर लगे कि कंसीविंग ही नहीं होती बच्चे नहीं हो रहे तो देर कैन बी वन दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इसको भी जरूर चेक करना चाहिए और फीमेल हेल्थ अगर कहीं पर लेडीज को हेल्थ इश्यूज आ रहा है तो ये जरूर देखें आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लटर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आखिरी तारीख में क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए ठीक है बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए कैश नहीं होना चाहिए आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है जैसे फीवर है तो ना इंसोमेनिया होता है लोगों को सो नहीं पाते रात को नींद नहीं आती या सपने बहुत खराब खराब आते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना तो दो घंटे सो पाते हैं तीन घंटे सो पाते हैं नींद नहीं आती अनरेस्ट रहता है तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई उसको हमेशा निकाल देना बेड में सिर्फ आपके लिनेंस होने चाहिए यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए आप भले ही पहनने के कपड़े रखें आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें कुछ भी रखें लेकिन वही चीज रखें जो यूजेबल है लेकिन कोई भी क्रॉकरी मेटल ये सारी चीजें कभी बेड के अंदर नहीं ये बेड के अंदर जगह रहेंगी तो ये निश्चित तौर पे आप इस सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है हेल्थ इश्यू में टर्न आता है कोई भी चीज लंबे समय तक चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं जितना कबाड़ घर में रहेगा जितना अनसिस्टमाइज चीजें रहेंगी उतना आपको डिस्टर्ब होगा दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली द पीपल हु आर बोर्न ऑन 9th और 18th और 27th ऑफ एनी मंथ ठीक है उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होगा बाकी के दिनों में आप अगर अगर फुल मून की पिक्चर लगाते हैं अपने मोबाइल में वॉलपेपर आपको पहले नहीं मतलब ये चांद तो नहीं जाएगी वो वाला चांद के ऊपर जो सबके लिए चांद है आपको पसंद है तो वो चांद करवा जैसे एक शेर बोलते हो तुम चांद जैसी हो तुम चांद जैसी हो मूर भी जुलूर भी और दूर भी अच्छा और बढ़िया ठीक है तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा रहता है और पता है आपको अब जो किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं ठीक है किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबाड़ खुलवा के देते हैं उसकी कबाड़ खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है वो क्या सोचता होगा कैसे रहता होगा क्या काम करता होगा बताता तो
क्या होता है ये, आप उसकी कबर्ड को देख के आप पता लगा सकते हो बारे में, उसकी पर्सनैलिटी को देखिए क्या है उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताया। अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा, और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो वो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज, इसीलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली में नहीं होगी। स्पेशली वाइफ लोग बताते ना कबर्ड को मेरा तो वाइफ बताती है कपड़े रखना है जो भी मेरा कितना परेशान करते हैं आपकी वाइफ को समझ में आ रहा है। ये तो न्यूरोलॉजी के से इंजरी डेट के बॉर्न होते हैं तो ये सब करते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ, लास्ट में दिखा रहा हूँ जो एक और लाइफ चेंजिंग ट्रिप बताता हूँ करने के बाद आपको लेकर बहुत अच्छा। आपको क्या करना है जैसे आपका डोर होता है ठीक है मेन डोर, हम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाटएवर इट इज, मेन डोर पे ये मेन डोर है, एक लाइट आपको बाहर लगानी है और एक लाइट अंदर से लगानी है ठीक है, दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए, फॉल जो डाउन लाइट होती है डाउन लाइट एंड देट बड़ी कुछ नहीं नहीं मिनिमम 3 वॉट की लगा लीजिए, बड़ी की कोई जरूरत नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने घर में लगाइए, अपने घर में और उसको ना उसको वॉर्म लाइट लगानी है, वॉर्म लाइट लगानी और वो आपको क्या करना है पूरी रात जलाइए, शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसको जला दीजिए, ये करिएगा आपको विद इन 21-30 डेज के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा आपको कितना बेनिफिट होगा। But it should be done on regular basis. ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत amazing result देता है, ठीक है? But light की जो phone है वो आपके door पे इधर आनी चाहिए, ऐसे मतलब आनी का, ऐसे लगाइए जो down में, ठीक है? आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छा result। ये छोटे-छोटे tips इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो। आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट इनटू द वास्तु, तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है, कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम, बट देन यू टेल मी आप अपने अपने आप डायरेक्शन आपको समझ आ गई है लाइफ चेंजिंग टिप देता है मैंने आपको इन सबसे पहले था। नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, मेरा ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दिया क्योंकि बात को तो बड़ा डिटेल से देखते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन 1 or 2 hours ओनली, इट टेक्स टाइम, बहुत सारी अभी बहुत सारी अनटच्ड चीजें हैं जो मैं अभी टच ही नहीं करता, इतने आश्चर्य है कि आप तब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है ऐसा भी होता है, फिर आप अपने घर की चीजों को देखना शुरू करते हो ये यहाँ ऐसा है ये वहाँ ऐसा है तब आपको समझ आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है ना, बट वो हम बाद में कभी करेंगे। आपका नंबर दे सकते हैं आप इनको कुछ रहे हो तो हाँ ये फिर देख पाएंगे 9-8
376 34 984. सर जो आए थे यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, वो वास्तु विजिट थी लोना वाला ना सर, लोना वाला में थी पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मेरा पूरा सर लोग पूरा सर हम लोग ने इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, मेरुन गई है हमारा जो फ्लैट्स होते हैं आजकल उसके अंदर में रूम होते हैं, तो व्हेन यू आर सीइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस इट जैसे नॉर्थ कॉम को ओपन करते हैं बेडरूम है या अलग रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ टैबलेट इधर रखे या शूट सी ओनली द नॉर्थ ऑफ द एंटायर फ्लोर. देखिए नॉर्मली तो हमें north of the entire plot area. पहली बात तो ये है, ठीक है, north of the entire plot करते हो तो वो भी इतना sufficient होगा. It is not possible. लेकिन साथ ही साथ हमें जो एक हर यूनिट को पूरा वास्तु मान के हम चेक करते हैं, हम जब किसी भी जगह का वास्तु मान के, तो ये ऑफिस है अगर हम लगा दी तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर जाएगी. कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं लाइट, रेड लाइट का बहुत यूज़ करते हैं आप देखते होंगे जनरली. ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते लेकिन रेड का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी कभी कहीं लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रही है. क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको. तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी. इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तु में, ऐसा नहीं, हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है या यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है. गलत जगह पे लगी हुई लाइट नुकसान देगी हमेशा. एक्चुअली जब आप छोटी छोटी चीज़ों को जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम तो हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं. थोड़ी सी हमें अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज़्यादा पूछना नहीं पड़ेगा. आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीज़ों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो. ये इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो दे देती है, होल्ड देता है, आप किसी और पर डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान. इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है. आप इतनी अच्छी चीज़ें हैं इनको अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने शुरू हो जाता है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज़ में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एकदम मिरेकुलसली काम करती है चीज़ें, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है. बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जब आप समझना शुरू कर देते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग में ही आसानी से हर एक को हर तरह की लगा देते हैं, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते किसी को, क्योंकि कई बार परेशानी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में होती है और उसको दूर करते ही एकदम से समस्या खत्म हो जाती है. बट अभी तो सर फैशन हो गया ना कि मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का, अंदर से क्लाइंट लोग कह रहे थे कि अच्छा दिखना चाहिए, भले वो कुछ भी हो. देखो आप मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, देखो हमारा भी काम दिन रात आर्किटेक्ट के साथ ही होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ होता है. अभी हम वास्तु कर रहे हैं तो हमारा और आपका तो चोली दामन का साथ है बेसिकली, अगर आप समझो तो, है ना भाई, हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता. और आज की तारीख में चूंकि वास्तु इतना हो गया कि आप लोगों का काम भी वास्तु के निकल सकता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्यूटी है वो ये है कि हम
हम क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते फिर उनके अपनी कॉल होती है। लेकिन हमारा प्रोफेशन है, कोई आदमी अगर हमसे कंसल्ट कर रहा है, हमारी एडवाइस ले रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सही बात बतानी चाहिए कि देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ के गलत रिजल्ट हो सकते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते तो अलग बात है। या फिर हम ये देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी होती है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे इंटीरियर डिजाइनर, हेल्पलेस होते हैं या तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को करने से रोक देती हैं। तो फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी मजबूरी हम इन्हें कितना ही बता दें कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते हुए चलते हैं कि कम से कम उसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए, ये भी करते हुए चलते हैं। इस तरीके से भी होता है अगर वो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है तो, ये इसका तरीका ही है। बट हमें नॉलेज होगी तो देखो क्या है कि आज आप आर्किटेक्ट हो इंटीरियर डिजाइनर हो, आपने किसी के घर डिजाइन करा, तो उस व्यक्ति को घर ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं भी जाके अगर उसको अच्छा रहता है, उसका जीवन अच्छा होता है, तो आपको बड़ी दुआएं देता है ना। वो कहता है कि देखो जब से मैं इस घर में आया हूँ, मेरी दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है, मेरे जीवन बहुत सुकून से है। भाई आप कोई आदमी बीमार है, आपने उसके कुछ ऐसी चीज़ बता के करा दी, मतलब उसकी बीमारी ख़त्म हो गई या बहुत कम हो गई, तो वो आपके लिए कितनी आपको कितनी दुआएं देगा। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको फिर उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का भला ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छा करके चलोगे तो कहीं ना कहीं में ऊपर वाले से भी तो ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अच्छा करके चलते हो तो। तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसे होनी चाहिए, पता नहीं है फिर तो हमारे हम भी गलत नहीं है, जब मुझे मालूम ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या तो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर पता है तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूँ सही से। ये सर कमर्शियल ऑफिसेस में जो डेस्क होता है मतलब एम्प्लॉयज का, उसकी फेसिंग्स कैसे होने चाहिए, मतलब डायरेक्ट? देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जो हम कमर्शियल ऑफिसेस में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज को ईस्ट में या नॉर्थ में बैठाना चाहिए फेसिंग कर। नॉर्थ मतलब ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग में? हाँ मतलब जो भी एम्प्लॉयज काम करें उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। समथिंग में कैसा भी है ना कि जो बॉस का कैबिन होता है तो एंट्रेंस दरवाजे के सामने डेस्क नहीं होना चाहिए, छोटी हाँ। वो थोड़ा मतलब चलने में भी मतलब जैसे ऐसे मानिए जैसे दरवाजा है ठीक है, इस दरवाजे के एकदम ठीक सामने आपकी टेबल कभी नहीं होनी, टेबल चेयर। जैसे ये दरवाजा है यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दरवाजे से सीधा हिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो हिटिंग होती है ये हमेशा डिस्टर्बिंग होती है, वो कभी नहीं होना चाहिए। वो चाहे बॉस का हो या आप बेडरूम में भी अगर आप डिजाइन करा रहे हो, बेड में जैसे सपोज बेडरूम है ये बेड है सॉरी ये दरवाजा है, तो तभी भी आप ध्यान रखिएगा एकदम बेड दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मतलब डायरेक्शन इश्यूज हो तो अगर आ जाए तो स्लीपिंग पोजीशंस या उसके लिए कुछ तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं पाता तो दरवाजे के एकदम सामने आपके पैर कभी नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जैसे जैसे ये डोर है ये आपका बेड पड़ा हुआ है तो पता लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैर एकदम डायरेक्ट दरवाजे की तरफ है। अगर यहाँ पे बेड है तब इधर साइड पैर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, सामने वॉल आ रही है, लेकिन जस्ट स्ट्रेटली इन फ्रंट ऑफ द डोर यू शुड नॉट हैव योर लेंथ। सर जो वॉल पेंटिंग्स जो लगते हैं ना फ्रेम में वो किस टाइप के होने चाहिए, उसके टाइप्स रह गए मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है। क्या होता है
एक ना चीज होती है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है? विजन बोर्ड का मतलब ये होता है टू मैनिफेस्ट द थिंग। जैसे आपका कोई सपना है किसी चीज का, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, लाइक से आप एक कोई पर्टिकुलर कार है, आपको BMW रेंज रोवर ऑडी कोई भी कार आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एक विजन बोर्ड हम लोगों को बताते हैं। एक्चुअली आई एम इनटू मोटिवेशनल स्पीकिंग आल्सो। मैं क्या है उसके लिए भी काम कर रहा हूँ कि टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज, तो उसके लिए भी सेमिनार्स वगैरह करता हूँ एंड कीप द टॉक्स आल्सो। तो विजन बोर्ड को हम उनको बोलते हैं कि टू अचीव योर ड्रीम्स, आप एक बोर्ड बनाइए, उसको तो पिक लगा दीजिए, वो पिक लगा ऐसी जगह लगाइए जो आपके हमेशा आंखों के सामने रहे। तो क्या होता है उसका विजुअल इम्पैक्ट ये होता है, जो आप देखते रहते हो ना वो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस में जाती रहती है। आपकी जब सबकॉन्शियस में जाती है तो वो एक दिन मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा जाती है। तो दिस इज नोन एज टू बी द विजन बोर्ड। दिखती हुई चीज बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए पेंटिंग्स आप जब भी घर में लगाते हो या कहीं पर भी लगवाते हो तो पेंटिंग शुड नॉट बी नेगेटिव। जैसे कई बार सैड मूड की पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, या आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ना, एक अकेली लेडी की पेंटिंग होती है सैड फेस वाली, या वीपिंग लेडी की फोटो होती है, इस तरह की कभी नहीं लगानी चाहिए। इवन जो जो ये होते हैं शेर चीते वगैरह, इनकी फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। एंड कोई भी वॉर सीन नहीं लगाना चाहिए कभी भी। जिसकी शादी होगी उन लोग से पूछो किसकी शादी होगी, आप लोग ना सर। सब लोग आगे आ जाओ, घर का आशीर्वाद दो। थैंक यू फॉर ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ग्रुप फोटो सर आप इधर आ जाओ, मैं उधर से फोटो ले। सर को घेर लो सर, आ जाओ सब लोग आ जाओ, बॉयज एंड गर्ल्स आ जाओ मैदान में आओ, और थोड़ा स्माइल अच्छा वाला मूव वन स्माइल प्लीज, वन मोर थैंक यू वेलकम। आपके पास अभी नंबर तो है सर का, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा आप कॉल कर लो, पूछ लो सर से कुछ। की तरीके से खाना शुरू कर दो, बिल्कुल जैसे आदमी को लगता है ना खाना खाना जरूरी है, ऐसे आपको लगेगा कि दवाई खाना भी जरूरी है। किचन में कभी मेडिसिन बेडरूम में होनी चाहिए या नहीं? बेडरूम में नहीं, मैं आपको बता दूं, मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो पहली कोशिश आप ये करिए आपके अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उसमें टूवर्ड्स नॉर्थ रखिए मेडिसिन अगर पॉसिबल है तो। कोशिश यही करिए मेजरली बार रखने की। इन केस अगर वो पॉसिबल नहीं है, 1% में नहीं हो पा रहा है, तब आपका जो अपना बेडरूम है उसके नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ में रखेंगे। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको फर्क आएगा, आपको फर्क पता लगेगा कि पहले रखी हुई मेडिसिन और अब की रखी हुई मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। सर ये कैमरा कहाँ रखना चाहिए? That problem comes from females only. वो आती है बाई की प्रॉब्लम, मेल्स की प्रॉब्लम, क्योंकि वो अब मैं देख रहा हूँ वास्तु में ना, मतलब वास्तु की बात नहीं है लेकिन बाकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो भी एक मेजर रोल लेती चली जा रही है। आई डू गेट मैनी कॉल फ्रॉम द लेडीज के मेल मेल का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता,
कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। इसी तरह से ऑफिस में भी वर्कर्स के साथ एम्प्लॉयज वगैरह का अच्छा वो नहीं हो पाता, ठीक है। कई बार क्या होता है बीमारी नहीं जाती घर से, अभी बीमारी रहता है, कोई ना कोई दवाई लगी रहती है, डॉक्टर के जाना इसको करना, कितना भी कर लो अभी बीमारी से बच नहीं पाता। कभी कभी ये होता है कि अपन पैसा कमाते भी हैं लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको पता लगता है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, गिधर गया ये भी नहीं पता होता। सपोज आई एम अर्निंग 1 रुपी, मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ, मेरे को पता है मेरा खर्चा जो है और उनकी जो एक किचन होती है दूसरी कॉस्मेटिक किचन होती है। कॉस्मेटिक किचन इज मेजरली यूज फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो माइक्रो माइक्रो करने के लिए होती है। सो इट इज बीइंग नेगेट। अभी तो क्या लिविंग पैटर्न्स आर चेंज ऑफिस, बट वो बंगलोज भी होते हैं, तो आइडियली किचन इस तरह से होना चाहिए। आपका किचन में गैस जो है शुड बी इन द ईस्ट एंड सिंक शुड बी इन द नॉर्थ। अगर देखिए ज्यादा डिस्टेंस है सपोज, मतलब डिस्टेंस बोले तो मतलब 2-3 फुट का तो ज्यादा नहीं मानते, 4-5 फुट का है तो फिर भी इम्पैक्ट कम होता है, बहुत ज्यादा बगल बगल होता है तो वो खराब होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि टेंट्स वगैरह में किचन साइज भी बहुत बड़ा नहीं होता, उसके लिए तरीका ही होता है। अगर सपोज इन एनी केस आपका वो आते ही पास में, आप बिटवीन पार्टीशन शॉर्ट ऑफ पार्टीशन करते हैं, आप चाहे वो ग्लास का कर दीजिए चाहे वो पत्थर का कर दीजिए, एनी काइंड ऑफ पार्टीशन कैन बी डन। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप चीजों को ना अवॉइड नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो दैट कैन बी डन। Anybody else? देखिए जब जो कारपेट जो होते हैं वो आपको क्या करेगा, और डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ किचन और हॉल हमारा एक साथ है,
उसको प्लेस कैसे करना चाहिए, या लिविंग में या किचन में? लिविंग में, किचन में क्यों लगा? लिविंग में मुझे वो लगते हैं दोनों, मुझे लगते हैं आराधना भी नहीं देखता है, आराधना इतनी भी नहीं होनी चाहिए। एक बार आज का वो जोक चल रहा था ना, मतलब ना ऑफिस में जाके एक बार छुट्टी चाहिए, उसका बॉस पूछता है कि क्यों छुट्टी चाहिए 14 फरवरी को, तुमको बोलता है कि मेरे घर में आज पूजा और अर्चना होगी। सरस्वती सब लक्ष्मी को सबसे पहले, लक्ष्मी को सब बाकी सब आ जाते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ पहले के टाइम में जैसे एलईडी नहीं था लाइट में, पहले ऑरेंज कलर का ये लाइट आता था ऑल में, तो अभी जो एलईडी जो लगाते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब जो है शिफ्ट करने का, तो हर एक जगह मैं एलईडी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं कहीं ऑरेंज लाइट इतना बेसिकली बनते हैं। ऑरेंज लाइट तो पहले भी कभी नहीं थी, ऑरेंज नहीं लाइट होती है नहीं, ऑरेंज लाइट भी एक होती है थोड़ी वार्म के भी थोड़ी आगे जाती है, थोड़ा ऑरेंजेस रहती है, येलोइश रहती है, येलोइश हां ज्यादा मतलब ऑरेंज के थोड़े बहुत नजदीक नहीं। वो तो देखिए अगर आप पर्पली कोई कलर का लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग बात है, जैसे कोई ग्रीन लगाता है, कोई ब्लू लगाता है, कोई रेड लगाता है, वो तो अलग बात है। अगर आप जनरल देखेंगे लाइट ये तो व्हाइट होती है, ये येलोइश लाइट होती है, उसके अलावा तो कोई लाइट होती नहीं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ, बेसिकली क्या है कि जैसे लाइट्स है ना, जैसे व्हाइट लाइट है या हल्की येलोइश बॉल लाइट है, वो तो कभी नुकसान नहीं करती। लेकिन इसके अलावा आप जैसे अगर लाइट लगाते हो, ब्लू कलर लगाते हो, रेड कलर लगाते हो, ग्रीन कलर लगाते हो, तो ये तब लगवाई जाती है जब हमें इनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है। हम डायरेक्शन वाइज लगाते हैं, अगर कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है, हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसे कहीं भी लाइट लगा दी तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर देगी। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं, लाइट रेड लाइट का बहुत यूज करते हैं, आप देखते हो जनरली ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते, लेकिन रेड का ज्यादा यूज कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी, कभी कहीं लगा दी। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको। तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी। इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तव में, ऐसा नहीं, हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है, यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है। गलत जगह पर लगी हुई लाइट नुकसान देगी। एक्चुअली जब आप छोटी छोटी चीजों को जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम तो हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीजों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो देती है, खोल देता है, आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जाए, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। आप इतनी अच्छी चीजें हैं तो अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने से मिल जाते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज़ में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एकदम मिरेक्युलसली काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। थोड़ा समझने की जरूरत है, जब आप समझना शुरू कर देते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मेरी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, सारी से हर को हर तरह के लगा देते हैं, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते हैं।
कई बार परेशानी बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में, और उसको दूर करते ही एक दूसरे से समस्या खत्म हो जाती है। कभी तो सर फैशन हो गया ना, मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का है, अंदर से क्लाइंट को कह रहा था कि अच्छा दिखना चाहिए, हो कुछ भी। देखो आप मेरी बात, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमारा भी काम चल रहा था आर्किटेक्ट के साथ, इंटीरियर डिजाइनर के साथ होता है, हम वास्तु कर रहे हैं, तो हमारा और आपका तो चोनी दामन का साथ है, अगर आप समझे ना, नहीं हमारा काम आपके बिना नहीं कर सकते, और आज की तारीख में क्योंकि वास्तविक टर्न हो गया कि आप लोगों का काम भी वास्तु को निकल सकता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ड्यूटी है वो ये है कि हम क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो ये ठीक है ये गलत है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते, फिर उनके अपनी कॉल होती है। लेकिन हमारा प्रोफेशन है, कोई आदमी अगर हमसे कंसल्ट कर रहा है, हमारी एडवाइस दे रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सही बात बतानी चाहिए, देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ के गलत रिजल्ट हो सकते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते तो अलग बात है। या फिर हम ये देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी होती है, चाहे वो क्लाइंट हो चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे इंटीरियर डिजाइनर, हेल्पलेस होते हैं, या तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को करने से रोक देती हैं, तो फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी मजबूरी है, हम इतने कितने बता दिए कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालते हुए चलते हैं कि वो कम से कम उसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए, ये भी करते हुए चलते हैं इस तरीके से भी होता है। अगर वो कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम होता ये इसका तरीका है, बट हमें नॉलेज होगी तो देखो क्या है कि आज आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, आपने किसी के घर डिजाइन करा, तो उस व्यक्ति को घर ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं भी जाके अगर उसको अच्छा रहता है, उसका जीवन अच्छा होता है, तो आपको बड़ी दुआएं देता है ना, वो कहता है कि देखो जब से मैं घर में आया हूँ, मेरी दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है, मेरे जीवन बहुत सुकून से है। भी आप कोई आदमी बीमार है, आपने उसके कुछ ऐसी चीज़ बता के करा दी, मतलब उसकी बीमारी खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई, तो वो आपके लिए कितनी आपको कितनी दुआएं देगा, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको फिर इसलिए अप्रिशिएट भी करता है ना, तो ये जरूरी होता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का भला ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए, जितना आप अच्छा करके चलोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भी तो ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अच्छा करके चलोगे, तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसे होनी चाहिए। पता नहीं है फिर तो हमारे हम भी गलत नहीं है, जब मुझे मालूम ही नहीं अच्छा विचार बुरा है, लेकिन अगर पता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूं सही से। ये कमर्शियल ऑफिसर्स में जो डेस्क होता है मतलब एम्प्लॉइज का, उसकी फेसिंग्स कैसे होने चाहिए, मतलब देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जो हम कमर्शियल ऑफिसर्स में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉइज को ईस्ट में या नॉर्थ में बैठाना चाहिए, फेसिंग करना चाहिए उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो, लेकिन दरवाजे से सीधा हिटिंग नहीं होनी चाहिए, ये जो हिटिंग होती है ये हमेशा डिस्टर्ब होगा, वो कभी नहीं होती, वो चाहे बॉस का हो या बेडरूम में भी अगर आप डिजाइन करा रहे हो, बेडरूम में जैसे सपोज बेडरूम में ये बेड है और ये दरवाजा है, तो तभी भी आप ध्यान रखिएगा कि एकदम बेड दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए, अगर मतलब डायरेक्शन इश्यूज हो तो अगर आ जाए तो स्लीपिंग पोजीशंस या उसके लिए, तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं पाता तो दरवाजे के एकदम सामने आपके पैर कभी नहीं होंगे, मतलब जैसे जैसे ये डोर है ये आपका बेड पड़ा हुआ है, तो पता लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैर एकदम डायरेक्ट दरवाजे की तरफ है, अगर यहाँ पे बेड है तो
कभी से साइड बाय हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, सामने वॉल आ रही है, लेकिन जस्ट 18 इंच ऑफ द डोर यू शुड नॉट हैव योर लेंथ। जो वॉल पेंटिंग जो लगता है ना फ्रेम में, वो किस टाइप के होने चाहिए, इसके में टाइप है क्या? तो मेरे मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है क्या होता है मैनी काइंड ऑफ थिंग्स, जैसे आपका कोई सपना है किसी चीज का, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, लाइक से कोई पर्टिकुलर कार है आपको, BMW रेंज रोवर ऑडी कोई भी कार आपको अपने लिए चाहिए, तो उसके लिए एक विजन बोर्ड हम लोगों को बताते हैं। एक्चुअली आई एम इनटू मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग आल्सो, मैं क्या एक स्ट्रेटजी भी काम कर रहा हूँ कि टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जायटी, तो उसके लिए सेमिनार वगैरह करता हूँ। तो विजन बोर्ड को हम उसको बोलते हैं कि आप एक बोर्ड बनाइए, उसको पिक लगा दें, वो पिक लगा ऐसी जगह लगाइए जो आपके हमेशा आंखों के सामने रहे, क्योंकि होता है उसका विजुअल इम्पैक्ट ये होता है, जो आप देखते रहते हो ना वो धीरे 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 आपकी सबकॉन्शियस में जाती रहती है, आपकी सबकॉन्शियस में जाती है तो वो इसी मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा है। विजन बोर्ड अकेली लेडी की पेंटिंग होती है, सैड फेस वाली, या वेटिंग लेडी की फोटो होती है, इस तरह की कमी लगाती है, जो जो ये होते शेर चीते वगैरह फोटो भी लगा एंड जिसकी शादी होगी लोग से पूछो आपकी भी तो होगी ना सर। आप इधर आ जाओ, नंबर तो है सर का, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा आप कॉल कर लो। Water is okay, but still water का issue है. Something like that. Actually, the thing is that sink is allowed because sink is an integral part. अब मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लोग बॉयलर लगाते हैं, अगर आपने बॉयलर में देखा होगा, बॉयलर के साथ एक पानी का टैंक भी रहता है, वो कंपलसरी होता है। इसी तरह से साइमल्टेनियसली पुराने ज़माने में जनरेटर्स जो आते थे, अब तो जनरेटर कैनोपीज आ रहे हैं, पहले जो पुराने वाले जनरेटर होते थे ना इस तरह के, उनके साथ भी पानी रहता था, वो ड्रम रहता था, पानी सर्कुलेट होता रहता था, तो देट वॉज अ पार्ट ऑफ द जनरेटर, तो वो नुकसान नहीं करता। लेकिन अलग से अगर पानी का कोई भी आपने बाथरूम बना दिया है यहाँ पे सपोज, ठीक है, या आपने पानी की टंका रख दिया ऊपर, ओवरहेड वाटर टैंक रख दिया, वो नुकसान करता है।
कीपिंग वाटर हियर इज नॉट ए रॉन्ग वाटर स्टोर में स्टोर में करना है मतलब वाटर भाई करते हैं लेकिन वो बाहर निकल भी जाता है वैसा चलेगा हां वो तो रनिंग रहता है ना रनिंग रहना चाहिए स्टोर्ड वाटर इज बैड कौन सा रिसोर्स नहीं होना चाहिए ठीक है नाउ थर्ड डायरेक्शन इज साउथ ठीक है साउथ इज द डायरेक्शन विच इज नोन फॉर योर मेंटल पीस शांति सुकून स्ट्रेंथ एंड फेम ये सारी चीजें आपको साउथ से मिलती है जो घर में सुख शांति होती है या किसी भी जगह पे सुख शांति होती है मेंटल पीस होती है फेम होता है स्ट्रेंथ होती है वो साउथ डायरेक्शन ये हमें ताकत देती है ये हमें हिम्मत देती है ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है डायरेक्शन ठीक है साउथ डायरेक्शन देन कम साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन विच इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ये एक ऐसी डायरेक्शन होती है इसके दो तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आती है यानी कि जिन लोगों को कभी भी अपने जीवन में ये लगता है कि हम बहुत काम करते रहते हैं लेकिन हमारा कोई काम सेटल नहीं हो पाता हम अपनी लाइफ में बार बार काम चेंज करते रहते हैं ठीक है ऐसा होता है ना आज ये काम करा कल वो काम करा या मन आपका उखड़ा उखड़ा रहता है आज तो आपका मन करता है मैं इंटीरियर पढ़ लूँ कल को मन करेगा अरे नहीं छोड़ो इंटीरियर कौन करेगा फैशन डिजाइनिंग कर लूँ परसों को मन करेगा नहीं छोड़ो जर्नलिस्ट का कोर्स कर लूँ तो इस तरह की चीजें या आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद भी आपके बिजनेस में वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही इतनी होनी चाहिए आप करते चले जा रहे हो लेकिन आपका आप मजबूत अपने को फील नहीं करते कि मैंने इतना बिजनेस आज मेरा बिजनेस इतना मजबूत हो गया स्ट्रांग हो गया या इतना मेरे पास फाइनेंस हो गया है तो वो साउथ वेस्ट में अगर डिस्टर्बेंस है तो दूसरा क्या होता है दिस इज द डायरेक्शन फॉर स्किल्स ऑल्सो जो हमारी एक्सपर्टीज होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम काबिल बहुत होते हैं लेकिन हम उस काबिलियत का हमारा एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता कई बार ऐसे देखते हैं ना कि के अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन इसके टैलेंट का यूज नहीं हो पाता ये टैलेंटेड है लेकिन इसके टैलेंट का इसको बेनिफिट नहीं मिल पाता या उस तरीके से हम अपना टैलेंट ही यूज नहीं कर पाते इस तरीके से हमें करना चाहिए तो वो भी साउथ वेस्ट से होता है तीसरी चीज साउथ वेस्ट की एक और इम्पोर्टेंट है वो होती है आपकी बॉन्डिंग फैमिली बॉन्डिंग अगर आपको कहीं पे लगता है कि पति पत्नी के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है या परिवार में आपस में रिलेशंस अच्छे नहीं है या आपके रिलेटिव से रिलेशंस अच्छे नहीं है या आपके दोस्तों से आपके रिलेशंस कंटिन्यूसली अच्छे नहीं रह पाते हैं आपके कस्टमर से क्लाइंट से आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाते हैं तो वो भी इसी की वजह से होता है साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस होगा तो ये होना ही होना है ठीक है Then comes west, पश्चिम दिशा जो होती है वेस्ट डायरेक्शन जो होती है ये हमारी विश फुलफिलिंग की डायरेक्शन होती है इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन होती है हमारी इच्छा अगर पूरी हो सकती है तो उसे पश्चिम दिशा ही पूरी कर सकती है और कोई दिशा में ताकत नहीं होती वो हमारी इच्छा को पूरी कर सकती है दूसरा क्या है सेविंग्स ये आपके गेंस और प्रॉफिट को बढ़ाती है आपकी सेविंग्स को बढ़ाती है आपके पास पैसा जुड़ने की जो ताकत देती है वो यही डायरेक्शन देती है अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसको लगता है कि मैं पैसा कमाता हूँ लेकिन मैंने जुड़ नहीं पाता तो यानी कि उसकी वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है इसीलिए उसका पैसा नहीं जुड़ पाता ठीक है ये आपकी सेविंग्स को बढ़ाती है आपकी जो बचत होती है बरकत लेकर आती है और आपकी इच्छा पूरी करती है देन अगली डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायु कोण कई बार अगर आपको ये लगता है कि हम तो लोगों के लिए बहुत करते हैं पर हमारा लोग नहीं करते हम किसी के लिए कुछ भी कर दें पर बदले में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है ना कि होता है ना लोगों को शिकायत कि मैं तो बहुत करता हूँ लेकिन अगर कहीं मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा यानी अगर आपका सपोर्ट सिस्टम वीक है आपको ऐसा लगता है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं होता मुझे लोगों से सपोर्ट नहीं मिलती है इट मीन्स कि आपकी ये वाली डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है
नॉर्थ वेस्ट में, इसीलिए आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ये इवन अगर आपका बैंक लोन किसी को कराना हो सपोज, और पता लगा कि बैंक लोन ही नहीं हो पा रहा है, आप लोन के लिए जाते चले जा रहे हो लेकिन लोन नहीं हो रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी को इशू आता है, सरकारी अधिकारी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, तो भी यानी कि इस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकार की तरफ से आपको इश्यूज आ रहे हैं। देन कम्स नॉर्थ, उत्तर दिशा हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दिशा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर सक्सेस। हमारे जीवन में जो भी सक्सेस है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन से आती है। जो व्यक्ति भी अपने जीवन में कामयाबी चाहता है, वो चाहता है कि मैं हाइट पे पहुंचूं, मेरी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाए, मुझे रोज नई अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरे कस्टमर्स बढ़े, मेरे क्लाइंट्स बढ़े, जो भी कुछ है, तो उसको अपनी ये वाली डायरेक्शन में बहुत खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। इस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर, कोई भी डिफॉर्मिटी हुई, तो यानी कि वो अपने हाथ से, कहते ना अपने भाग्य पर ताला लगाना, वो वाला सीन हो जाता है। आप कुछ भी गलत करते हो तो अपने आप खुद अपनी ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तो अगर किसी को लाइफ में लगता है कि मेरी प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही है, मेरे काम बढ़ नहीं रहा है, मुझे रोज नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यानी कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस है, कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए ये इशू आ रहा है। देन कम्स, मतलब दिस हैज बीन रिसर्च अलॉट, कि जैसे हमने देखा कि जिसके इशूज थे वह जाके चेक करो तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम निकली, इसीलिए उनके मेजर हेल्थ इशूज थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खांसी जुकाम बुखार, देखो वो एक जनरल सी चीज़ है, वो सबके साथ होती है, उसमें कोई इशू नहीं है। पेट दर्द, सिर दर्द, ये तो सब कॉमन सी चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप देखते हो कि चीज़ें लगातार हो रही, प्रोलॉन्ग हो रही हैं और रुक नहीं रही हैं, आपको डॉक्टर्स के हॉस्पिटल से चक्कर काटने ही पड़ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेज है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही। दूसरा, अगर आपकी बच्चे आपकी पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कितने भी आप अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, महंगे स्कूल में पढ़ा लो, लेकिन बच्चे उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है, इसी की वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। आपका घर में माहौल ख़राब रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, इसका मतलब यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, घर में शांति नहीं है, हमेशा क्लेश का वातावरण रहता है, तो यानी कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है नॉर्थ ईस्ट में। देन कम्स सेंटर, ब्रह्मस्थान, सेंटर को ब्रह्मस्थान भी बोलते हैं। ब्रह्मस्थान जो होता है वो किसी भी जगह का सेंटर प्लेस होता है, वो कोई भी बिल्डिंग हो, ठीक है, ये जनरेटर है एक तरह से, इसको जनरेटर बोला जाता है, ये सारी ही एनर्जी को जनरेट करता है, जितनी भी डायरेक्शनल एनर्जीज होती हैं उन सबकी गवर्निंग इसी के पास होती है, और जनरेशन भी इसी के पास होता है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी इसी के पास होती है। अगर ये खुला हुआ है, जैसे पुराने ज़माने में आंगन घर बनते थे तो आंगन खुले होते थे, ठीक है, चारों साइड वो बनता था, रूम्स वगैरह बीच में ओपन होता था, तो अगर ये ओपन है तो यानी कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, घर का माहौल, आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज़ अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो आदमी को प्रॉब्लम्स आती है। जिन लोगों को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, पेट से रिलेटेड आदमी को प्रॉब्लम सिर्फ आदमी को आती है कि औरत को भी आती है? सर ह्यूमन बींग के लिए कोई कॉमन टर्म बता दीजिए, मैं वो बोल रहा हूँ, या औरत आदमी का चक्कर ही खत्म हो गया। अगर किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, पेट से रिलेटेड सर्जरी होती है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट से रिलेटेड अगर किसी की यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो यानी कि उसकी इस प्लेस पर प्रॉब्लम होगी, तभी वहाँ पे इशू होता है। देखो हमारी बिल्डिंग का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है, ये पक्का मानना, ऐसा नहीं बिल्कुल 100% होता है, जैसी बिल्डिंग होगी वैसी हमारी बॉडी, तो बॉडी अकॉर्डिंगली बनती चली जाती बिल्डिंग के हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम आनी ही आनी होती है।
पेट से रिलेटेड इश्यूज है तो ये सिर से रिलेटेड इश्यूज है जिनके ब्रेन में सिर में दर्द रहना, ब्रेन सर्जरी, ट्यूमर, ये सब चीज़ें होती हैं उनके नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज होते हैं पक्के तौर पे, तभी ये चीज़ आती है। किसी को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है, पैरों की प्रॉब्लम है, कुछ भी रहता है तो ये साउथ ईस्ट में इशूज़ आते हैं तभी प्रॉब्लम। यानी कि आप साउथ ईस्ट में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उस जगह पर पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अ हाउस इज लाइक अ बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बिल्डिंग पूरी की पूरी एक बॉडी की तरह से ही काम करती है। और जैसे हमारी बॉडी होती है ना भाई, जो मेरी हाइट है उसी के हिसाब से मेरे हाथ और पैर तो ठीक लग रहे हैं। अगर सोचिए मेरे हाथ इतने लंबे हो जाते ठीक लगते ही है? बुरे लगते। यह पता लगा गर्दन इतनी लंबी हो जाती तो ठीक लगती है? बुरी लगती। यही प्रोपोर्शन हमारी बिल्डिंग का होगा कि वास्तविक तौर में क्या है, बिल्कुल ऐसी हमारी बॉडी है, यही प्रोपोर्शन होगा। आप देखिए कोई भी पर्सन को हम किसको अच्छा मानते हैं देखने में अपीयरेंस, जो फ्लैट टमी हो मानते हैं। कोई अगर मेल फीमेल कोई भी है पतला दुबला स्मार्ट होगा उसी को अच्छा कहते हैं, किसी मोटे को आप कहते हैं स्मार्ट ही, कभी नहीं कहते। सेम हैपेंस विद द बिल्डिंग ऑल्सो। बिल्डिंग भी आपकी जितनी अलाइंड होगी, जितनी सही होगी, उतना लाइफ आपकी अच्छी होती चलेगी। तो ये हमने चार डायरेक्शन और चार सब डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अब सबसे पहले दूसरी चीज आती है कि हम डायरेक्शन को कैसे चेक करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। टू चेक द डायरेक्शन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लिख लीजिए आप, ये इसके बिना आप वास्तु का कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन देखनी नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उल्टा हो गया कि थिंग्स हैव बिकम क्वाइट इजियर फॉर अस बिकॉज वी आर हैविंग अ कंपासेस इन आवर मोबाइल्स। नहीं तो आप यू कैन टेक दैट कंपास आल्सो। हमें तो एक्चुअल जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्शन उसी तरीके से भी लेते हैं, गूगल से भी लेते हैं। बट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आइदर यू टेक द कंपास और यू ओपन द मोबाइल कंपास। ठीक है, मोबाइल कंपास को आपको हमेशा डोर की तरफ फेसिंग करके खड़ा होना है, उधर रखना है और आप देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ फेसिंग इज कमिंग, इट इज शोइंग। निकालिए आप अपने अपने कंपास, मोबाइल सभी के पास है, प्रैक्टिकल कर लीजिए, नहीं तो फिर घर जाके ना सब कंफ्यूज रहेंगे। निकाले कंपास कंपास तो इनबिल्ट होते हैं सबने नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए कंपास, डाउनलोड होता है कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे आप ऐसे ऑन रखिए ना। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आप कंपास लेते हो तो कंपास को ऐसे या ऐसे या ऐसे करके मत रखना, मतलब स्ट्रेट रखना है। और कोशिश ये करिएगा कि इसको ना ऐसे करके भी रख सकते हो आप, आइदर यू कैन कीप इट समवेयर लाइक दिस ऑन अ फ्लैट सरफेस। वुडन उस पर रखना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि वुड इज द बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उससे वो डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप ऐसे कंपास है मतलब कंपास, हाँ कंपास कंपास पास 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 तो इसका नाम रख देंगे पास पास कंपास। ठीक है, तो इसको आप देखना है। देखिए हर कंपास में एक रेड पॉइंट होता है। ठीक है, रेड पॉइंट इज ऑलवेज एन इंडिकेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये रेड पॉइंट कभी भी होगा नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, जिधर नॉर्थ होगा वो साइड में जाने वाला है। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये देखना, देखिए आपका ये जैसे कंपास आपने रखा है तो सामने कौन सी डायरेक्शन आ रही है? साउथ ईस्ट। हाँ,
इधर से देख रहे तो साउथ ईस्ट आ रहा है। नहीं नहीं एक्चुअल में क्या है मैं बताऊं, इसको ऐसे इधर से नहीं लगता, आपने गलत रखा हुआ है, ऐसे लगता है वास्तु में ऐसा कुछ है कि आईफोन आ जाए। हाँ पक्का पक्का आईफोन आ जाएगा सर। मैं आज कुछ ऐसे टिप बताऊंगा जो आईफोन आ जाएगा, वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की करना पड़ेगा, आईफोन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका जैसे सबको ईस्ट फेसिंग हो गया, ठीक है, ये ऑफिस हमारा ईस्ट फेसिंग है, ये बाजू अपना नॉर्थ हो गया, इस बाजू इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, नाउ द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या है, ये वाला, और ये नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर साउथ ईस्ट है, यानी कि किस लिए काम आ गई, पैसे के लिए, ये वाला कॉर्नर पैसे कमाने के लिए काम आ गया। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया, और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन हमेशा बाहर निकलते हुए देखी जाती है। लोगों में कई बार क्या होता है कि गलत फहमी ये होती है कि दे डू कंसीडर डायरेक्शन व्हाइल दे आर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग। लोग ना जब कई बार लोग खड़े होते हैं बाहर बिल्डिंग के बाहर या अपार्टमेंट का, अरे सर वो मैंने देखा वो नॉर्थ फेसिंग है, तो मैं पूछता हूँ नॉर्थ फेसिंग कैसे देखा आपने, अरे हम बाहर खड़े दिखे अंदर नॉर्थ दिखा रहे, लेकिन नहीं अंदर जाके देखो तो कौन सा फेसिंग है। अगर डोर साउथ में हो, दैट इज साउथ फेसिंग, हां जैसे अभी आपने बोला जैसे कोई बाहर जाता है तो हम लोग कभी बट एक्चुअली द डोर इज इन द नॉर्थ and when you are entering you are seeing north but when you look in north to aapka peak north mein hota hai aapka face south mein hota hai so that is wrong direction ha actually kya hai south direction is considered to be the inauspicious direction galat mana jata hai lekin main aapko bataunga kyun mana jata kitna manna chahiye bahut zyada nahi hota thoda myth hai south ke bare mein ab myth kya hua aur jaise chalte chalte na wo sachchai lagne lagti hai एक ही रिपीटेडली जब झूठ आप कई बार बोलोगे तो वो लगने लगता सच है, इट्स नॉट बीइंग लाइक दैट, पता है डॉट इन मतलब फिजिकल वर्चुअल गेट, फिजिकली यूज नहीं करते वर्चुअली गेट खोल देते हैं, वर्चुअल गेट खोलने से भी आपको वो बेनिफिट मिल जाते हैं जो आपको सही डायरेक्शन से, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अब डायरेक्शन किसी की खराब हो कुछ भी हो उसका इतना कोई मैटर नहीं बनता, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं आसानी से, और ट्रीट करने के बाद उसका हम बेनिफिट देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि आपको डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके आप प्रैक्टिस करेंगे, आप दो चार जगह जाके प्रैक्टिस करिए, आप अपने घर पे या आपके जो पापा लोगों की शॉप्स हैं ऑफिस हैं या शोरूम जो भी कुछ है वहाँ पे कर सकते हो, यू कैन गो एंड चेक इट इन द रिलेटिव प्लेस ऑल्सो व्हाटएवर, इसको आप देखिए। नाउ कम्स, अब अगली चीज़ जो आती है वास्तु में वो आती है कि जिससे आपको पता लगे कि आपके क्या क्या गलत है क्या क्या सही है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेसमेंट एज पर वास्तु, वास्तु के हिसाब से क्या क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इनसे रिलेट कर पाओगे, आप अपने अपने घरों को रिलेट कर पाओगे कि आपके घर में अगर ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है ना, आज आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना तो मैं आपको एक्सपेक्ट कर दूंगा कि आप अपने घर को ठीक से समझ पाओगे आपके घर की प्रॉब्लम के रीज़न क्या है। देखिए ईस्ट डायरेक्शन में व्हाट वी कैन मेक, ईस्ट डायरेक्शन में स्टडी रूम बहुत अच्छा होता है, सन की डायरेक्शन होती है, सन की डायरेक्शन में जब भी आप बैठ के पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली सन वाली एनर्जी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपकी लर्निंग पावर मेमोरी ग्रेस्पिंग पावर सब अच्छी हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि व्हाइल डूइंग स्टडी वन शुड ऑलवेज फेस टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट फेसिंग जब भी आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली आपको अच्छे से याद हो रहा है, और जो याद हो रहा है वो लंबे समय तक याद रहता है आपको, आपका मन लगता है पढ़ाई में, लिविंग रूम कैन बी देयर
लिविंग रूम इज अ प्लेस वेयर नोबडी स्लीप्स, ठीक है, आप बैठते हो, आप गेस्ट के साथ बैठते हो, आप खुद बैठते हो, तो देट कैन मेड ओवर देयर, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम भी आप बना सकते हो, आराम से कोई इशू नहीं है। या ओपन स्पेस, अगर आपके पास इतनी जगह है तो आप इसको खुला भी छोड़ सकते हो, ओपन भी छोड़ सकते हो। बाथरूम, बाथरूम ओनली फॉर बेदिंग नॉट फॉर टॉयलेट, ये ध्यान रखिएगा, बाथरूम का मतलब WC नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर बेदिंग, आप सिर्फ नहा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी यूज फॉर WC, ठीक है, टॉयलेट के लिए यूज नहीं करना सकते, दिस कैन बी मेड ओवर हियर। अगर ये चीज़ें यहाँ पे हैं तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये चीज नहीं है, सपोज यहाँ पे टॉयलेट आ गया, अगर आपका बाई चांस किसी का टॉयलेट अगर यहाँ पे आता है, तो यानी कि टॉयलेट आने से क्या क्या रिजल्ट डिमेरिट्स होंगे, एक तो उस आदमी के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आएगी कि पता नहीं मेरे रिलेशन बनते हैं और कंटिन्यू नहीं रह पाते, कुछ दिन बनेंगे, थोड़े दिन बनेंगे, फिर रिलेशन खराब होने छोड़ जाते हैं। मेरे बॉस से मेरे रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहते, मेरे कलीग से रिश्ते अच्छे नहीं रहते, घर में रिलेशन अच्छे नहीं रहते, डिस्टर्बेंस रहता, मैं कितना भी सोशलाइज होने की कोशिश करूं, मेरा सोशलाइजेशन नहीं पाता, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते हो कि आपको वो इज्जत नहीं मिलती जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, जो हम डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आप नहीं मिल पाते अगर आपका यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आपको आती है। तो वन शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टॉयलेट ओवर हियर। जिनका इसमें बेडरूम होता है, बेडरूम इफ इट इज ऑफ अनमैरिड पर्सन तो चल सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर मैरिड पर्सन बेडरूम इज नॉट गुड एट ऑल। यहाँ पे अगर मैरिड कपिल का बेडरूम होता है, पति पत्नी का बेडरूम होता है, तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब बहुत रहती है, उनकी रिलेशन भी अच्छे नहीं रहते और लाइफ में डिस्टर्बेंस रहते हैं। Then Southeast is best place for kitchen, सबसे बढ़िया जगह होती किचन के लिए। यहाँ पे अगर आपकी किचन बन गई है तो ये इंश्योर करती है कि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी फाइनेंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं हो सकता, फाइनेंस पार्ट हमेशा अच्छा रहता है। इलेक्ट्रिक मीटर तो अच्छा सर, स्टोर फॉर ऑयल घी, वो तो किचन का पार्ट ही होता है। अगर तुलसी प्लांट, इट इज ऑल्सो गुड ओवर हियर। यहाँ पर क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, ये है तो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे किसी का वॉशरूम आ गया, चाहे वो टॉयलेट बना दिया चाहे वॉशरूम बना दिया किसी ने, साउथ ईस्ट में अगर ये बन गया तो समझ लो एक तो फीमेल्स के हेल्थ इश्यूज आने शुरू होंगे, उस घर में जो फीमेल्स होंगी उनको हेल्थ इश्यूज आने आने हैं, घर की स्त्रियाँ बीमार रहेंगी। दूसरी बात क्या है कि पैसा डूबने के चांसेस रहेंगे, पैसा आते आते पैसा रुकेगा या उतने ज़्यादा पैसे नहीं आएगा, अगर हिसाब से आना चाहिए, मुश्किल से पैसा आएगा, ठीक है। थर्डली क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहेगा, आप किसी से बात करोगे कोई काम करोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। कई बार अपने को ऐसा होता है किसी से बोलने जाना पड़ता है, किसी से बात करनी होती है, कोई काम करना होता है, तो हम कॉन्फिडेंस ही नहीं कर पाते कि यार पता नहीं हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करूँ ना करूँ, है ना, वो सीन रहेगा। यानी कि आपको इस तरीके के इश्यूज हैं, या फिर आपको लगता है कि घर के लोगों में या आपके बाहर छोटी छोटी बातों बिना बात के रिलेशन खराब होते हैं, तू मैं हो जाती है, कलेश रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम है या ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है तो ये होनी होना। आप सब लोग अपने अपने घरों में चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या कलर है, ठीक है, क्योंकि आपके घर का आपको पता होगा। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए, पानी की टंकी, ओवर हेड वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इस डायरेक्शन में पानी इसका दुश्मन है, अगर पानी दुश्मन होते ये सबको पता है, ठीक है, पानी हमेशा आपको बुझाता है, तो जो बुझाता है वो तो दुश्मन हो ही गया, ठीक है। तो ये अगर एक साथ रहते हैं तो दिक्कत होती है। अब एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि किचन में क्या होता है, ये हमारी गैस होती है और ये हमारा सिंक होता है, है ना। जनरली जो बिल्डर फ्लैट्स होते हैं उनमें यही होता है कि ये गैस रखिए इधर हमारा सिंक हो गया। अब क्या हो गई, एक लाइन में आग और पानी हो जाते हैं, जब भी एक लाइन में आग और पानी होंगे तो वहाँ क्या है, छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी बातें बनती हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि बात तो बहुत छोटी सी थी, इतनी तो कोई बड़ी बात मैंने कही भी नहीं थी, जितना इतना घर में बवंडर मच गया इतनी बात का, छोटी सी बात थी, बॉस ही नाराज हो गए, मैं तो कुछ कहा भी नहीं था, ऐसा कई बार अपने को लगता है ना, कहा तो कुछ नहीं था, बात इतनी बड़ी हो गई,
छोटी छोटी बातों पे जब टू टू मैमे होती है वो सब होता है, उसका रीज़न यही रहता है कि आग और पानी अगर पास पास होते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये कभी पास पास नहीं होनी चाहिए। वो मैं बताऊँगा आपको कि सिंक की फॉर्मेशन हमें कैसे करनी चाहिए, सिंक किधर लगाना चाहिए। ये गैस और फ्रिज आपके पास पास हो जाते हैं अगर, तो ये गैस और बाजू में फ्रिज खड़ा कर दिया आपने तब भी ये प्रॉब्लम आती है। थर्डली साउथ, साउथ हमारा बेडरूम की भी बहुत अच्छी जगह होती है। साउथ में अगर बेडरूम बना हुआ होता है तो आदमी के जीवन में सुख शांति रहती है, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है, सुकून रहता है, कितना भी कुछ हो आदमी सुकून में रहता है। दूसरा क्या है कि साउथ आपकी प्रसिद्धि को ही बढ़ाता है, फेम को ही बढ़ाता है, आपका जो यश होता है, जो एक आपका नेम फेम होना चाहिए वो भी साउथ बढ़ाता है, ठीक है। और साउथ आपको हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, हिम्मत भी देता है, करेज देता है काम करने का। साउथ इज गुड फॉर बेडरूम, स्टेयर के साउथ में बनी बहुत अच्छी होती है। जिनके यहाँ भी स्टेयर के साउथ में होगी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके काम लंबे समय तक चलते हैं। जैसे कोई कोई लोग तो होते हैं कि आपने देखा होगा कि 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, अभी देखते हो इनकी तो फैमिली ऐसी ही है जैसी ग्रो कर रही थी वैसी हो रही है। कुछ लोगों का आप देखते हो कि किसी ने कोई काम करा, कोई किसी ने कहा 5 साल चला, किसी का 10 साल चला, पता लगा वो नीचे आ गए, डाउन हो गए, ठीक है, एक सर्टेन बस पीरियड तक चला, उसके आदमी को कोई कुछ नहीं हुआ, तो यानी कि उनका साउथ साउथ में डिस्टर्ब हुआ होगा तभी उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। तो स्टोर रूम के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपका स्टोर रूम साउथ में बना हुआ है तो भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी लाइफ को बैलेंस करता है। यानी कि अगर मैं नेट सेल में कहूँ तो साउथ और साउथ वेस्ट आपका जितना भारी होगा, जितना हैवी होगा उतना आपको फायदा देगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपके जो घर का साउथ है, ठीक है, जो भी आपके साउथ है उसको कभी भी खाली मत छोड़िएगा। आपका कुछ नहीं है तो आप एक कबाट खड़ी कर दीजिए, कुछ भी नहीं है तो आप प्लांटर लगा दीजिए। जैसे कई बार अपन क्या होता है साउथ में बालकनी आ गई, हैवी चीज रखनी है, बेलकनी आ गई तो बेलकनी को अपन ने खाली छोड़ दिया वो नुकसान करेगी। ये कवर्ड होगी जितनी जितनी भारी होगी उतना आपको फायदा देगी। आपको अगर चमत्कार वाली चीज देखनी है तो साउथ में जाके और साउथ वेस्ट में जाके एक अलमारी खड़ी कर देना भारी सी, फिर एक महीने के बाद बताना मेरे को कि आपको क्या लगा, आप खुद देखोगे ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होगी। देन कम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो होता है वो हमारा मास्टर बेडरूम की प्लेस होती है। मास्टर बेडरूम मीन्स बेडरूम ऑफ द ओनर, जो भी घर की मुखिया है, जो भी बड़े हैं तो उनके उनका बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर अगर बेडरूम होता है तो उससे ये बेनिफिट होता है, एक तो लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, दूसरे क्या होता है आपकी डिसीजनिंग स्ट्रांग होती है ना, आप जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सही होते हैं आपके, और वो डिसीजन दूसरे पे अच्छा इम्पैक्ट भी डालते हैं, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छे होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, ये डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम होता है या आपका ऑफिस होता है, अगर आप अपने ऑफिस में भी डायरेक्शन बैठते हो तो आपके सामने वाले पे आपके इम्पैक्ट अच्छा जाता है, आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो उसको, उसको अपनी बात समझा पाते हो, वो आपकी बात मानता है। अगर यहाँ पर बैठने के बाद आप वो आपका हमेशा अपर हैंड रहेगा, सामने वाले का लोअर हैंड रहेगा, आप उस पर हावी हो जाओगे, वो आप पे हावी कभी नहीं रखता। ऐसे लोगों को कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता सभी जो यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए ये मास्टर बेडरूम होना चाहिए या ऑफिस होना चाहिए, ये यहाँ पर ही होना चाहिए। दूसरा वार्डरोब्स, आपकी जो भी कबर्ड्स हैं जो भी हैं वो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। ड्रेसिंग रूम भी कबर्ड्स ही होती हैं, है ना, वो यहाँ पर हो सकता है। हैवी आइटम्स जो भी भारी भारी चीज़ें हैं वो सब आपको यही रखनी है। देन स्टेयर केस ब्लॉक, जो स्टेयर केस होती हैं वो साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि स्टेयर केस जो होती है एक वेटेड चीज़ होती है, वजनदार चीज़ होती है। दूसरा क्या है, स्टेयर केस ऊपर तक जाती है, हाइट तक जाती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, तो ये हमें दो चीज़ें देती है, एक तो वजन और एक हाइट। ये वाला जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा ऊँचा और सबसे ज़्यादा भारी होता है, छोटी द हाइएस्ट एंड द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ एंटायर बिल्डिंग। अगर ये पार्ट हमने ऊंचा और भारी कर दिया तो हमारी सक्सेस जो होती है वो 100% श्योर हो जाती है।
कौन लोग लड़खड़ाते हैं, कौन लोग लड़खड़ाते हैं अपने जीवन में, किनके जीवन में परेशानी आती है, अप डाउन किनके जीवन में आते हैं, जिनका साउथ वेस्ट खराब होता है, डाउन होता है या हल्का होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में ऊपर वाले की मेहरबानी होती तो अलग मैटर है, उसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा यही रहते हैं कि कभी तो मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है, कभी मेरा काम बहुत खराब हो जाता है, मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, अप डाउन सी जिंदगी रहती है, ऐसे 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 करते रहते। तो ये अगर आपका रहेगा तो आपकी लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी। ओवरहेड वाटर टैंक, जो पानी की ऊपर की टंकी होती है ना, छत पे जो रखी जाती है, छत वाली टंकी होती है, उसके लिए बेस्ट प्लेस होती है। अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये आपको बहुत सपोर्ट करना शुरू हो जाती है। कैश बॉक्स, आपका जो वैल्यूएबल का लॉकर रहता है, कैश बॉक्स रहता है, वो अगर यहाँ पे आप रखते हो तो यहाँ पे रखी जो चीज़ होती है वो आपकी, जो भी आप रखते हो यहाँ पे, वो एक तो स्टेबल रहती है, दूसरे खास बात क्या होती है कि वो कैश बॉक्स में वो आपके आने के रास्ते बना देता है। इट अट्रैक्ट्स मनी, स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी, आपका कैश है, आपकी ज्वेलरी है, वैल्यूएबल्स है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है, वो भी हमारे एसेट्स होते हैं ना, ठीक है, वो अगर आप इधर रखते हो तो आप देखते हो यहाँ रखने का बरकत शुरू होती है, आपके आने के रास्ते बनते चले जाते हैं, ठीक है, पैसा आना शुरू हो जाता है। और वास्तु में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉर माई पास्ट 20 ईयर एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग टू यू, वास्तु में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और इमीडिएट रिजल्ट जो आते हैं वो आपके मनी के आते हैं, कैश बॉक्स में। पैसे का अगर आप सही जगह पर रख देते हो तो आपके आपको उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, गलत जगह पर रखोगे तो बुरे और सही जगह पर रखोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू, ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट अगर आपको वास्तव में मिलते हैं तो मेरे हिसाब से कैश बॉक्सिंग होती है। इसको करने के बाद एक्चुअली आपको फील होना शुरू हो जाता है कि यहाँ रखने के बाद से क्या और यहाँ रखने के बाद से क्या इफेक्ट आ रहा है, एंड यू कैन ट्राई टेस्टिमोनियल बाय योर ओन सेल्फ। तो कैश बॉक्स अगर यहाँ रखते हो आपको बहुत फायदा होता है। अब हमें यहाँ पे क्या अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है साउथ वेस्ट में, जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो होता है गड्ढा, पिट, डाउन फ्लोर। अगर किसी का भी फ्लोर डाउन है, कोई खड्डा है, कोई पिट है, कुछ भी बना दिया, कुआं बना दिया, बोरिंग कर दिया, तो वो जीवन भर पनप नहीं पाएगा, पूरी लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस होने के चांसेस, पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि पूरी लाइफ टाइम डिस्टर्बेंस है, मतलब इट कैन लीड टू सो मैनी थिंग्स ऑल्सो, आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम, एक्सीडेंट्स, मिसहैप्स, वो बहुत सारी चीज़ें करने में सक्षम होता है। लेकिन क्या है, कर्जे जो होते हैं ना लोगों के ऊपर, आप देखते हो कि लोन्स हो गए, लोन चुका नहीं पाए, नीलामी हो गई, ये सब चीज़ें जो होती है ना, या बंद हो जाती है, यूनिट्स बंद हो जाती हैं, या पीपल हैव टू सेल देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द लोन्स व्हाटएवर इट इज, वो इसी वजह से। अगर यहाँ पे कोई भी गड्ढा है, कोई भी कुआं है, फर्श का लेवल अगर डाउन है, तो यानी कि यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए साउथ वेस्ट में आपको ये सब चीज़ों की प्लानिंग ऐसे करके रखनी चाहिए कि ये यहाँ पे कोई भी कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए। दूसरा, साउथ वेस्ट में अगर ब्लू कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया, तो सब मामला खराब हो जाता है। अब भैया मतलब ब्लू कलर के, देखिए मैं तो ब्लू कलर की पेंटिंग भी नहीं लगा रहे थे, मतलब टू बी प्रेसाइज थी, मैं तो ब्लू कलर की बेडशीट भी नहीं बिछा रहे थे, तो क्लाइंट को मना करता हूँ, डोंट इवन पुट ब्लू बेडशीट और ब्लू कलर और ब्लैक कलर और ग्रीन कलर इन द साउथ वेस्ट बेडरूम। आपको नहीं मालूम कलर साइंस इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन को खतरनाक रूप से प्रभावित करती है कलर साइंस। तो ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन कलर साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं होना चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। आपको दिखता है किसी के घर में अगर ब्लू कलर के कर्टेंस है, सोफा रखा हुआ है, ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, जाके उसको चेंज करो, आप चेंज करो और 15-20 दिन महीने भर में आप उसका रिजल्ट देखना शुरू करो, आपको पता लग जाएगा एक्चुअल में क्या फ़र्क है। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो वो ग्लास पर हम सेपरेटली बात कर लेंगे मेरे ऊपर, ठीक है।
तो साउथ वेस्ट को इस तरह ट्रीट करना चाहिए। अब क्या है, कहीं पर ऐसा लगता है जैसे बच्चे जिद्दी हैं, कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, सुनते नहीं हैं, डोमिनेटिव हो रहे हैं, या कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, जिद्दी है, तो यानी कि आपसे छोटा, ओनर से छोटा कोई भी पर्सन अगर साउथ वेस्ट के बेडरूम में रहेगा तो वो जिद्दी हो जाएगा। इसीलिए दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द किड्स, दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द एम्प्लॉयज, दिस रूम शुड नॉट बी गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स, यंगर पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं है पता लगा कि पेरेंट्स तो इधर चलेगा और बच्चों को इधर सुला दिया, जो यहाँ सोएगा वही आपको डोमिनेट करना शुरू कर देगा, जो बैठेगा या सोएगा। इसीलिए यहाँ पर बच्चों को या किसी को ऐसे पर्सन को नहीं देना चाहिए, इतने वो डोमिनेट करेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर इतनी हाई एनर्जीज होती हैं कि वो डिस्टर्ब हो, खुद भी डिस्टर्ब होगा और पूरे घर के लिए, पूरे बिजनेस के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप उसको एटेनी को सबको हटा देते हैं। नाउ कम्स अबाउट द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन एज आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द डायरेक्शन विच इज मेंट फॉर विश फुलफिलिंग, इसको हमारी विश फुलफिलिंग की डायरेक्शन भी बोलते हैं। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टिप दे रहा हूँ, लेकिन वो टिप इतना प्यारा और इतना इफेक्टिव है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते 21 दिन तक, 21 दिन के बाद सिंसियर प्रैक्टिस करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपको अगर कोई भी अपनी जेन्युइन विश आपको पूरी करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनजेन्युइन विश कि मुकेश अंबानी की जगह बैठो तो इनजेन्युइन है, लॉजिकल विश जो आपको लगता है पूरी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बैठ के अगर आप उसको बोलना शुरू कर देते हो, बेस्ट डायरेक्शन में बैठ के अगर आप उसको बोलना शुरू कर देते हो तो आपकी विश पूरी होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैठ के वो विश वो बोलनी है, क्योंकि थोड़ा डीपर उसमें है, इस डायरेक्शन का जो कनेक्शन होता है सीधा यूनिवर्स से होता है, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो भी यहाँ पे बात बोली जाती है वेस्ट डायरेक्शन में वो सीधी ऊपर जाती है और वो पूरी होती है। आपको अपनी कोई भी जेन्युइन विश है, कोई प्रॉब्लम लग रही है लाइफ में, कोई इशू है आपको लगता है कि सही होना चाहिए, अगर आप उसको बोलते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो बेस्ट डायरेक्शन इसलिए बहुत विश फुलफिलिंग डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी होती है। एक और टिप मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी पूरी इच्छा करनी है, यू टेक अ पीस ऑफ येलो पेपर, पीले रंग का एक गोल पेपर लीजिए, राउंड, ठीक है, राउंड, हाँ, एंड यू राइट योर विश विद ब्लू पेन ओवर इट। आपको अपनी इच्छा उसके ऊपर लिखनी होती है, जो भी आपकी इच्छा है। इच्छा लिखने का तरीका होता है, इच्छा लिखने का तरीका ये है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम है आपको क्लियर करना है, तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली कहते हैं मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये पूरा हो जाए, मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, मैं अच्छे से क्लियर कर लूँ, हमारा जनरल तरीका ये होता है ना। आपको इस तरीके को सिर्फ चेंज करना है, आपको ये करना है कि मेरा 12th का एग्ज़ाम सच एंड सच परसेंटेज से क्लियर हो गया है, थैंक यू, थैंक यू, आपका धन्यवाद है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको मानते हो उनका नाम लिखो या मत लिखो, थैंक यू लिख के कि मेरा ये एग्ज़ाम 93% 95% से क्लियर हुआ, थैंक यू, और वो लिख के आप इस डायरेक्शन में लगा देते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो विश फुलफिल होने में जेन्युइन विश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये है बेस्ट डायरेक्शन का। दूसरा, यहाँ पे आप डाइनिंग रूम बना सकते हैं, आप यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक, पानी की टंकी आप यहाँ भी रख सकते हैं, बच्चों का कमरा भी यहाँ पे बन सकता है, स्टडी रूम भी यहाँ बन सकता है, और यहाँ पे क्या है, सेप्टिक टैंक जो टॉयलेट का टैंक होता है वो भी आप बना सकते हैं, हालांकि अवॉइड करना चाहिए, पर्सनली आई डोंट वांट टू मेक सेप्टिक टैंक ओवर हियर, लेकिन इफ़ यू विश बना सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड कराता हूँ क्योंकि मैं वेस्ट में कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं चाहता, तो मैं टॉयलेट और सेप्टिक टैंक को मना करता हूँ कि टॉयलेट और सेप्टिक टैंक यहाँ नहीं बना सकते। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कभी भी शू रैक मत रखना वेस्ट में अगर शू रैक है तो आपकी प्रोग्रेस डिस्टर्ब होनी शुरू हो, अगर आप शू रैक रखते हो तो आपकी प्रोग्रेस डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। शू रैक और डस्टबिन वेस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए।
देन कम्स नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में यू कैन कीप जो आपके जो हमारा राशन खाने पीने का सामान रहता है, दैट ग्रॉसरी दैट कैन बी कैप्ट ओवर हेयर. काउ शेड पेट्स के लिए जगह, काउ शेड को आप समझो पेट्स के लिए, डॉग्स और व्हाटएवर इट इज दैट कैन बी कैप्ट ओवर हेयर. ठीक है, सेप्टिक टैंक कैन बी मेड ओवर हेयर. टॉयलेट के जो टैंक्स होते हैं वो यहाँ बना सकते हैं. गेस्ट बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह होती है. गेस्ट बेडरूम अपने आप में यहाँ पर बनता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस जगह की प्रॉपर्टी ये होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आती है ना वो रुकती नहीं है, तो साइमल्टेनियसली इट इज बीइंग चेक्ड, भाई गेस्ट आए और चले जाए ऐसी रहता है ना, गेस्ट तो आते और चले जाते हैं, तो उनकी अच्छी जगह रहती है. वन ऑफ द थिंग विच इज बीइंग सेड कि दैट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर द मैरिजेबल डॉटर ऑफ द हाउस होल्ड. वो बेटियाँ जिनकी शादी होनी होती है उनको अगर इस वाले कमरे में वो रहना शुरू कर दें, उनकी प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, ऐसे चांसेस बन जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि उनकी शादी इन टाइम हो जाए. ठीक है, सही टाइम पे उनकी शादी हो जाए तो ये एक उनके लिए भी ठीक होती है, पार्किंग के लिए भी ठीक होती है ये जगह. और ये जगह आपके इन्वर्टर्स और जनरेटर्स के लिए भी बहुत अच्छी है नॉर्थ वेस्ट. अभी क्या है मुंबई में तो आप लोगों के पास इन्वर्टर्स नहीं होते है ना, यह जरूरत ही नहीं होती किसी को, लेकिन आप दूसरे सिटीज में जाते हो तो यू नीड टू कीप इन्वर्टर्स ऑल्सो. या अगर आपका बंगलो होता है तो यू हैव जनरेटर्स ऑल्सो, तो यू कैन कीप इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स देयर ऑन. टॉप ऑफ वेयर सीलिंग, सपोज ये आपका किचन का एंट्रेंस है, किचन के ऊपर जो बीम होती है समझो इसके ऊपर सर, ये इसके ऊपर. हाँ, तो इज इट ओके? नहीं, इट इज नॉट ओके. अगर आपके सिर के ऊपर आ रहा है तो गलत. मेरा वही. हाँ, अगर सिर के ऊपर आ रहा है तो गलत. ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हम ये सब चीजें बना सकते हैं. नाउ वी कम्स अबाउट द नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, डायरेक्शन ऑफ सक्सेस. ठीक है, अगर किसी की भी लाइफ में उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, मेरे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती, मेरी शॉप पे कस्टमर ही नहीं आते, मैंने बुटीक खोला कस्टमर ही नहीं आके देते कितनी भी कोशिश कर लो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे उस हिसाब से नहीं हो रही है, चीजें नहीं आ पा रही है, तो यानी कि देर इज सम डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ. नॉर्थ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, इसी वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही है. नॉर्थ जितना ब्लॉक रहेगा उतनी ही लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दूर होती चली जाएगी, सक्सेस दूर हो जाएगी, पैसा आना दूर होता चला जाएगा. अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अब्रॉड जाना है, बड़ा काम करना है, कुछ भी करना है, तो यानी कि आपका नॉर्थ अगर क्लियर होगा तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे आराम से, और गलत होगा तो आप नहीं कर पाओगे. तो नॉर्थ को क्लियर रखना हमारा फर्ज बनता है. नॉर्थ भारी नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए. नॉर्थ में अगर आपकी बड़ी अलमारी रखी गई है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी. ठीक है, बड़ी अलमारी कभी नॉर्थ में नहीं, भारी अलमारी कभी भी नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए. वजन नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए नॉर्थ में, स्टेयर केसेस नहीं होने चाहिए. ठीक है, नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए. कभी सन नहीं होता पूरी तरीके से, है ना, सन कभी पूरी तरीके से धूप और वो नहीं आती नॉर्थ के थ्रू ऑफिस में, तो क्या होता है बाई डिफॉल्ट ठंडी रहती है डायरेक्शन. अब क्या है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ गर्मी है या तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम आज बैठे हैं इस समय ऑफिस में, ए सी चल रहा है तो हम कम्फर्टेबल हैं. अभी अगर यहाँ का ए सी बंद कर दीजिए आप तो कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी. तो नॉर्थ में क्या होता है बाई पहले पुराने ज़माने में जब वास्तुशास्त्र बहुत रटेन, तब ना ए सी था ना पंखे थे ना इलेक्ट्रिसिटी थी, तब तो आप नेचुरल रिसोर्सेज ही थे, जो भी नेचर से मिल रहे थे उन्हीं के ऊपर बेस थे. इसीलिए नॉर्थ फेसिंग को अच्छा माना जाता है कि वहाँ पे जो भी आदमी रहेगा, क्योंकि ये ठंडा रहता है तो आदमी कूल माइंडेड रहेगा, जो आदमी ज़्यादा गर्मी में रहेगा उसका दिमाग भी गर्म रहता है, टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए नॉर्थ फेसिंग वॉज कंसिडर्ड टू बी गुड डायरेक्शन
और चूंकि डायरेक्शंस को पैसे से या वेलफेयर से इतनी जोड़ा जाता है, वो ना आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आप सबकी जरूरत होती है। अभी कह दो कि यहाँ पे एक पौधा रखे पैसा आना शुरू हो जाएगा तो अगले दिन से आदमी रख लेता है मनी प्लांट। हाँ, और अगर वैसे बोलो तो आदमी नहीं रखता। तो कुछ चीजों को ह्यूमन नेचर को पहचानते हुए इसलिए बोला गया था, ऐसा बोलेंगे तो आदमी मानेगा, नहीं बोलेंगे तो आदमी नहीं मानेगा। तो नॉट डायरेक्शन में आप बेडरूम बना सकते हो, बट नॉट फॉर मैरिड कपल, अनमैरिड के लिए आप बना सकते हो। अब नॉर्थ में लाल रंग, जिसके घर में अशांति है, टेंशन रहती है, जिसके घर में पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसके घर में पैसा वेस्ट जा रहा है, बह रहा है, मतलब फालतू में जा रहा है, ठीक है, या जिसको लगता है कि मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, मैं आज 20 साल बाद भी वहीं खड़ा हूँ और 20 साल पहले जाता हूँ और 20 साल बाद भी वहीं खड़ा हूँ, तो यानी कि वो उसके घर का नॉर्थ, बिल्डिंग का नॉर्थ अगर आप चेक करोगे, वहां पे अगर रेड कलर होगा तो ये सारी चीजें होती। या नॉर्थ में स्टेयर केस बना दिए, ओवर हेड वाटर टैंक बना दिए, तब भी ये सारी चीजें, तो नॉर्थ में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के लिए अच्छा कलर कौन सा है? ग्रीन। नॉर्थ में अगर आप ग्रीन कलर रखते हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देता है। अब हमें क्या करना है? टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लानी है, आपको एक मैं बहुत सिंपल सा टिप बता रहा हूँ, आप क्या करिए, अपने घर का जो भी या बिल्डिंग का ऑफिस का जो भी नॉर्थ है आप, अब वहाँ पे एक ब्लू कलर की बॉटल में पानी रख, आप ऐसा भी कर सकते हो ब्लू कलर की बकेट में भी पानी रख सकते हो, ब्लू कलर का कोई कंटेनर हो तो पानी रख सकते हो, और बहुत अच्छा रहेगा अगर उस पानी को आप डेली डिस्पोज कर दो, ठीक है, आप उसको डेली डिस्पोज करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टोर्ड वाटर ज़्यादा नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 2-3 डेज आप इसको डिस्पोज कर सकते हो। दिस इज वन थिंग विच यू कैन डू एंड इज एक्चुअली वर्किंग थिंग, ये आपको फायदा देगा। नॉर्थ में अगर आप पानी रखते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पैसा बढ़ेगा आपका, ठीक है। आइदर यू कैन डू अनदर थिंग, यू कैन कीप अ मनी प्लांट इन ब्लू बॉटल ओवर देयर इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ब्लू बॉटल मनी प्लांट भी रख सकते हो। लेकिन बस ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि मनी प्लांट का जो पानी है वो ऐसा ना हो कि पता लगा वो महीनों महीनों तक आप बदल ही नहीं रहे। स्टोर्ड वाटर हमेशा खराब नुकसान देगा, लेकिन अगर आप ये करते हो तो नॉर्थ में ये करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य कोण। ईशान्य कोण सबसे ज्यादा वास्तु में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की दिशा मानी जाती है वो यही मानी जाती है, क्योंकि इस डायरेक्शन का कनेक्शन बहुत सारी चीजों से होता है, मैंने इसलिए इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ की एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है ईशान्य कोण में। दूसरा क्या है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू मेक टेम्पल, मेडिटेशन रूम, प्रेयर रूम और सेमेट्री। आप अपनी हिसाब से अपनी पूजा का, अपनी प्रेयर का जो भी प्लेस है वो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हो तो अच्छा रहता है। इसे बनाने से क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी टू द यूनिवर्स, टू द गॉड बिकम्स मच मोर ईजियर, अच्छी होती है वो कनेक्टिविटी आपकी, आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, आपका मेडिटेशन में मन लगता है, यू फील लाइटर ओवर हियर, आप अपने आप को लाइट फील करना चाहते हो। थर्ड थिंग, पोर्च अगर इधर होता है इट इज वेरी गुड, बेल्कनी वेरेंडा इट इज ऑल्सो वेरी गुड, ये जितना खुला होगा उतना आपको फायदा देगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट ईशान को जितना ओपन होगा उतना ही बेनिफिट आपको देंगे, इसको जितना मैक्स टू मैक्स आप ओपन रखिए, लॉन छोड़िए कुछ भी छोड़िए लेकिन खा लेते। अगर आपकी बेल्कनी है सपोज, जो बेल्कनी कम्स इन द नॉर्थ ईस्ट, कोशिश करिएगा वहाँ पे ज़्यादा पॉट्स मत रखिएगा, ठीक है, वहाँ स्टोरेज मत करिएगा, वहाँ एक दो आप पॉट हल्का सा रख लीजिए, छोटा छोटा भारी पॉट्स मत रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसको कोशिश करिएगा इसको खाली रखने का। दूसरा क्या है कि यहाँ पे
अगर आपके यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो बहुत अच्छा होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो पानी का खड्डा रहता है ना जमीन के अंदर वाला, डेट इज एक्चुअली वेरी गुड। या फाउंटेन बहुत अच्छा होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे कि जब हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम पानी कैसे लेकर आएंगे यहाँ पे, हाउ टू ब्रिंग द वाटर ओवर हियर, उसका सबसे सीधा साधा और सरल तरीका ये है, वी कैन पुट अ फाउंटेन ओवर हियर। छोटे छोटे फाउंटेन आजकल ऑनलाइन में मिल जाते हैं, यू कैन बाय फ्रॉम द शॉप ऑल्सो, वो ला के आप इसको रख दो उसको चलाओ। नॉर्थ ईस्ट में जब पानी चलेगा, एक तो क्या पानी जो रोटेशन करता है तो इट इज टू रोटेट द मनी ऑल्सो, पैसे का रोटेशन शुरू करता है वो। दूसरा क्या है कि आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आता है, आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आता है नॉर्थ ईस्ट में अगर पानी होता है तो। नॉर्थ ईस्ट में पानी क्रिएट करने के लिए यू कैन पुट द फाउंटेन एंड साइमल्टेनियसली यू कैन, अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता तो वी कैन पुट अ पिक्चर ऑफ, वी कैन पुट अ पिक्चर ऑफ वाटर, जैसे फाउंटेन की पिक्चर या जो बहता हुआ झरना होता है उसकी पिक्चर भी लगा, अगर वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ के लिए खराब कलर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा बैड कलर कौन सा होता है यहाँ के लिए, रेड ऑरेंज पिंक, यह सबसे ज्यादा खराब क्या माना जाता है, टॉयलेट। ईशान कोण का टॉयलेट एक ऐसी चीज मानी जाती है आमतौर पे, वास्तु शास्त्र में सब चीजों की रेमेडी होती है। अगर देखिए सारे घर सारी बिल्डिंग वास्तु पे नहीं बन सकती किसी के लिए, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, कोई नहीं बना सकता। लेकिन क्या है कि फिर भी वी कैन डू द रेमेडी ऑफ सो मैनी थिंग्स, अगर कहीं पर कुछ गलत हो तो आजकल क्या है बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% ठीक नहीं होता लेकिन मिनिमाइज उसका इफेक्ट हो सकता है। बट क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनक्योरेबल मानी जाती हैं यहाँ पे, वो है टॉयलेट। हैविंग अ टॉयलेट इन ईशान कोण एक्चुअली बैड, टॉयलेट यहाँ पे कभी नहीं होती है। यहाँ पे अगर टॉयलेट होता है तो अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के आता है, एक तो बीमारी, वन ऑफ द मेजर इशू इज ऑफ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के मेजर इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज पूरी बनी रहती है। दूसरा क्या होता है, दिमागी अशांति बहुत रहती है, मेंटल पीस नहीं होती, घर में शांति नहीं होती, घर की सुख शांति जो होती है वो हमेशा डिस्टर्ब होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे लोग कहते हैं ना, जब अपने घर से बाहर रहते हैं तब तो खुश रहते हैं, अच्छा रहता है आपस में भी, और जब हम द मोमेंट वी एंटर इनटू द हाउस, आने के बाद से सब डिस्टर्ब हो जाता है, एक दूसरे से पता नहीं क्या हो जाता है, बात करने का मन नहीं करता या झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे इफ यू आर हैविंग दिस थिंग ओवर देयर, टॉयलेट ओवर देयर, तो इट इज अ बिगर इशू, ये आपकी सक्सेस को भी रोकता है। क्योंकि क्या है, टॉयलेट का मतलब पता है क्या होता है, टॉयलेट का मतलब होता है डिस्पोजल, WC का मतलब है डिस्पोजल, आप वहाँ पे क्या करते हो डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ के जो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ के एट्रीब्यूट है सुख शांति, मेंटल पीस, फिजिकल पीस, सक्सेस, वो आप डिस्पोज कर रहे हो जब आपने यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा ली, वो डिस्पोज हुई तो पता लगा कि वो आपका सब सुख चैन शांति सब चली गई। एंड इफ यू आर हैविंग अ किचन ओवर हियर, किचन अगर आप यहाँ पे करते हो तो ऐसे घरों में तो कलेश बहुत होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो कलेश बहुत रहता है, दूसरा बरकत नहीं होती काम में, कमाई में बरकत नहीं होती, कितना भी आदमी इनकम जनरेट कर ले लेकिन उसको ये लगता है कि मेरी इनकम पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरे को पर कर दो। फिर सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक अगर इधर होता है तो सेप्टिक टैंक इज ऑल्सो अ वेरी बिग कॉज ऑफ इलनेस, बीमारियों का बहुत बड़ा कारण होता है सेप्टिक टैंक अगर होता है। यहाँ पे अगर ओवरहेड वाटर टैंक होता है इट इज ऑल्सो एक्चुअली रॉन्ग, ओवरहेड वाटर टैंक भी यहाँ पे बहुत खराब होता है एंड स्टेयर्स आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग ओवर हियर। देखिए आप अपने अपने घरों में चेक करिएगा, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई कबाट खड़ा हुआ है, कोई अलमारी खड़ी हुई है, कोई भारी ट्रंक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है,
तो आप जाके आज उसे हटाओ और उसे हटाने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर आप देखना आपको क्या लगता है, ठीक है। अगर ये ऐसा रहेगा तो वो डिस्टर्बेंस हो नहीं होना है, कुछ भी भारी रहेगा, हैवी रहेगा, ऊंचा रहेगा तो ना तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी ना सक्सेसफुल हो पाओगे, डिस्टर्बेंस रहने ही रहने, लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर आपको सब कुछ चाहिए तो इसको आपको क्लियर रखना। एक और चीज़ खास बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ना कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस पार्ट दिन में तो फिर भी धूप की लाइट रहती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आती है शाम को, ठीक है। शाम के टाइम में यू मस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू शुड पुट अ लाइट ओवर हेयर, एक आप हल्की सी भी लाइट लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शाम को या रात को यहाँ पर लाइट जरूर रहनी चाहिए। ये अगर अंधेरा रहेगा तो ये परेशान करेगा, ठीक है। ट्राई टू मेक इट क्लियर, क्लीन एंड क्लियर, और क्लटर फ्री होना चाहिए, यहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कबाड़ भी नहीं होना चाहिए। Then comes the center, ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान में अगर किसी के कोई भी चीज बनी हुई है, चाहे वो स्टेयर्स है, चाहे किचन है, चाहे बेडरूम है, चाहे टॉयलेट है, तो वो उसको आप कितना भी कुछ कर लो वहां पे कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंसेस रहनी ही रहनी है। अगर ये कोई भी चीज सेंटर में आ गई तो आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी लें, कोई बिल्डिंग लें, कुछ भी लें, आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म स्थान शुड बी एम्प्टी, और ब्रह्म स्थान में कोई कॉलम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉलम वॉल भी नहीं होनी चाहिए और बीम भी नहीं जाना चाहिए ब्रह्म स्थान के ऊपर, अगर ये चला गया तो डिस्टर्बेंस होते ही होते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, पेट से रिलेटेड ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इससे रिलेटेड इशूज भी आते हैं। ब्रह्म स्थान आपका जितना ओपन रहने वाला है, जितना खुला रहने वाला है, उतना आपको फायदा होगा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान को हमेशा क्लीन एंड क्लियर, ये खुला रहने से लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स बाय डिफॉल्ट खुलते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना अपने को कि जैसे हमें लगता है कि हमने कोई कोशिश भी नहीं करी फिर भी ये काम कैसे हो गया, इतने तो मेहनत भी नहीं कर रहे। तो अगर ये सेंटर आपका ओपन है तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स बनते हैं कि आपकी कोशिश कम होती है और रिजल्ट आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, इसीलिए सेंटर को ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ओपन। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, कमल का फूल होता है, ठीक है, लोटस फ्लावर होता है, एक येलो लोटस फ्लावर ले लीजिए, ठीक है, नॉट लिविंग प्लांट फ्लावर पिक ले लीजिए येलो लोटस फ्लावर की, और उसको ना स्टिकर टाइप का कुछ बना दीजिए, उसका स्टिकर जिससे होता है जब गमिंग शीट पर उसको लगा दीजिए, और जो भी आपका सेंटर आता है वहाँ पे फर्श पे लगा दीजिए, सब वही है। सेंटर के बारे में आपको समझ आ गया, सेंटर पे कोई भी सामान नहीं रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना, एट एनी कॉस्ट सेंटर निकाल लो आप अपने घर का और बिल्डिंग का, वहां पे अगर कुछ भी रखा हुआ है तो उसको तुरंत हटा दो, ठीक है, वरना ब्लॉकेजेस खत्म नहीं होंगी, ब्लॉकेजेस आती रहेंगी। और कोई भी ऐसी जगह मत लेना जहाँ पे कोई टॉयलेट किचन और ये सब सेंटर बना हुआ, सेंटर जितना ओपन रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा हमेशा। नाउ वी कम्स अबाउट द स्मॉल स्मॉल टिप्स, वास्तु में जैसे
एक आपको ये पता लग गया। अब आपको क्या कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीजों में चाहे टैलेंट भी हो, दैट यू कैन कीप येलो फ्लैग इन साउथ वेस्ट। आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए तो साउथ वेस्ट में आप येलो फ्लैग रख सकते हो। येलो फ्लैग्स यू कैन पुट द लाइवली प्लांट प्लांट्स आल्सो एंड यू कैन पुट द आर्टिफिशियल आल्सो। नॉर्मली वी यूज टू अवॉइड आर्टिफिशियल प्लांट क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। प्लास्टिक के प्लांट जो होते हैं नेगेटिविटी देते हैं। फॉर दैट यू कैन पुट पिक ऑफ येलो फ्लैग्स, ठीक है, आप एक पिक भी लगा सकते हैं येलो फ्लैग्स के। नेचुरल रहेगा तो ज्यादा बेटर है, लेकिन नेचुरल रहेगा तो ज्यादा बेटर है। आपको लेने वाला मिल जाएगा। हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात बात करते हैं, वो है मिरर, प्लेसमेंट ऑफ मिरर, ठीक है, विच आई वॉज टेलिंग टू यू। देखिए आप लोग इंटीरियर्स के स्टूडेंट्स हैं, इंटीरियर्स में क्या होता है, वी यूज टू प्ले अ लॉट विद द मिरर्स, है ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीरियर्स होता है मिरर का। लेकिन हमें ये नहीं पता मिरर का जो यूज है वो कितनी सावधानी से करना चाहिए। मिरर आपकी लाइफ को बना भी सकता है और मिरर आपकी लाइफ को तबाह भी कर सकता है। मिरर में इतनी ताकत होती है कि यू भी ले जा सकता है और यू भी ले जा सकता है, और इट कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग इन द लाइफ, एनी काइंड ऑफ थिंग मिरर। इसलिए मिरर्स का यूज बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, जगह जगह बिल्कुल मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। पहली बार तो आप ये ध्यान रखिएगा, मिरर से खेलने की कोशिश मत करना, जगह जगह मिरर्स नहीं लगा देंगे। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग मिरर्स, ओनली टू डायरेक्शंस आर एलिजिबल फॉर कीपिंग मिरर्स, उसके अलावा कहीं भी मिरर लगेगा तो वो नुकसान ही देने वाला है। दो डायरेक्शन कौन सी होती है मिरर्स की, एक तो ईस्ट एंड अदर इज नॉर्थ। मिरर अगर आपको लगाने हैं तो आप ईस्ट या नॉर्थ में ही लगाइए। आपको चाहिए तो आप अच्छा रहता है आप अपने जगह की डायरेक्शन ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, या फिर उस रूम की ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए, जो भी आपका रूम रहता है उसकी ईस्ट या नॉर्थ पे लगाइए। लेकिन इसके अलावा आप मिरर कहीं भी लगाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए जैसे अगर आपका मिरर कभी साउथ ईस्ट में किसी के मिरर लगा हुआ होगा, हो गया, आप अपना देखना किसी का भी हो सकता है गलत लगा हुआ हो, तो ये क्या होता है कि ऐसी जगह पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ऐसी जगह पे एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हालांकि वो है एक राज, प्रोफेशनल राज ही होता है, बट आई एम टेलिंग टू यू, कई बार ऐसा होता है ना, आप लोग किसी के पास जाते हो, आप उसे अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो आदमी आपसे कहता है तुम्हारे घर में इस डायरेक्शन में क्या रखा है, ये तो नहीं होता, तो इन्हें कैसे पता, तो हमारे घर कभी गए नहीं, इन्हें क्या मालूम हमारे घर के बारे में, एक्चुअली क्या होता है वो ये। अब मान लो मेरे से अगर कोई पूछे आगे मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, तो मैं तो छुट्टी दो तीन पॉइंट पूछ लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे से कोई ना कोई चीज क्या होनी है, तो वो सोचेगा अरे इन्हें कैसे पता हो, क्या ये तो बड़े जादूगर है, इन्होंने तो हम जो उनके पास गए थे उन्होंने तो बस पूछते बता दिया तुम्हारे ये है, उन्हें तो सब पता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से भगवान ने आगे उनको वो कर दिया, ये क्या है स्टडीज की बात है, स्टडीज और एक्सपीरियंस की बात है। ऐसा कोई जादू का वो नहीं आता है हमारे पास कि हमसे कोई जादू आ गया, स्टडीज और एक्सपीरियंस होते हैं। बेसिकली क्या है, साउथ ईस्ट में जब भी मिरर लगा हुआ होगा एक तो एक्सीडेंट के इशू आएंगे, दूसरा क्या है साउथ ईस्ट का मिरर जो होता है वो फाइनेंशियल लॉस होता है, पैसे की प्रॉब्लम और दिक्कतें लाता है। देखो प्रॉब्लम की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पहले तो आप ये समझ लेना, परेशानी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, इसी तरह से हैप्पीनेस की भी कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आप कहोगे खुशी क्या है, खुशी के पैमाने खुशी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, प्रॉब्लम भी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, अगर यही मिरर आपका साउथ में लग गया, साउथ ईस्ट जगह अगर मिरर साउथ में लगा दिया आपने, साउथ में लगे हुए मिरर से आपकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा जैसे जिन लोगों के ऊपर अनवांटेड एलिगेशंस आ जाते हैं, ठीक है, ये बिना बात की बदनामी होती है, ऑफिस में होती है, कहीं होती है, तो उनके साउथ में मिरर होता है।
साउथ में मिरर होगा तो एक ही होगा। दूसरा क्या है कि सुकून खत्म होता है लाइफ, सब कुछ होगा लेकिन सुकून नहीं होता। आदमी कहता है पता नहीं क्या है, मेरा दिमाग हमेशा परेशान रहता है, मैं हमेशा टेंस रहता हूँ। तो अगर दे आर हैविंग मिरर इन द साउथ, साउथ वेस्ट में अगर मिरर है किसी के, साउथ वेस्ट में अगर किसी ने मिरर लगा लिया, तो साउथ वेस्ट में लगा हुआ मिरर जो होता है, एक तो आदमी के बिजनेस को डाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है, जो भी उसका काम है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। जॉब है तो जॉब में पता लगा डाउनफॉल हो गया, बिजनेस में डाउनफॉल हो गया, फाइनेंस की बुरी तरीके से लॉसेज होने शुरू हो गए, ठीक है। अगर वेस्ट में मिरर लगा, ठीक है, वेस्ट में मिरर लगा तो सेविंग्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, बच्चों की पढ़ाई और सेविंग डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगा तो पता लगा कि आपके साथ ऐसे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। दो दो थिंग जो आपके वेल विशर नहीं होते है ना, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो आपको किसी तरीके से हर्ट करना चाहते हैं, आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, तो आपकी सपोर्ट सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में अगर मिरर लगता है। खाली मिरर नॉर्थ में अगर आप मिरर लगा देते हो, नॉर्थ में मिरर लगाने का बेनिफिट आपको ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मिरर लगाते हो तो भी आपके घर में सुख शांति और सुकून लेकर के आता है, ठीक है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट में मिरर लगाते हो तो आपके सोशल कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, आपका नेम फेम अच्छा हो जाता है। इसीलिए मिरर्स को बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, सीलिंग मिरर्स नहीं लगाने चाहिए, जगह जगह मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। एक और खास बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके बेडरूम में बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कभी भी, नेवर एवर, ठीक है। जिनके भी बेड के सामने मिरर होता है, जो खुद ये हमारा बेड है, ये सामने मिरर है, या मिरर बेड मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आपसे फोन आकर, तो क्या होगा, लेटर और सुनर वो पार्ट ऑफ द बॉडी जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें प्रॉब्लम्स, फिजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। या अगर वो हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्टर्बेंसेज आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, झगड़ा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए बेड के सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज अवॉइड, अगर है तो आप उसको कवर करके रखिए। बाय द टाइम यू आर स्लीपिंग ओवर दियर, दिन में इतना कोई इशू नहीं बनता, लेकिन जब आप रात को सोने जाते हो तो आपको उसको कवर कर देना चाहिए। इवन बेड के सामने टीवी भी नहीं होना चाहिए, टीवी ऑल्सो वर्क्स लाइक अ मिरर। तो किसी ने झगड़ा लगाने का हस्बैंड वाइफ में दूसरे घर में मिरर लगा दिया उसके बेड के सामने, आपको सर पे पैसे नहीं दे रहा हो ना क्लाइंट, आपको बहुत सूचना दी उसने मेरे घर में डिस्टर्बेंस करा, नहीं सर हमारा जो फर्ज है ना, हमारा फर्ज ये की हम सही बात बतानी जरूर चाहिए, आप मानते हो या नहीं मानते हो वो आपका आपकी बात है, लेकिन अगर अपने को कोई सही बात पता है तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी कि भाई एटलीस्ट हम आपको गाइड तो जरूर करेंगे कि देखिए ये गलत है, ऐसा मत करिए। और इन केस अगर वो फिर भी नहीं मानते तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें मिरर ऐसे लगाना चाहिए इससे उसमें बेड रिफ्लेक्ट ना हो। जैसे मैं मान लीजिए ये बेड है, देखो ठीक है अपन ऐसे सो रहे हैं, ये बेड है ना, ऐसे सो रहे हैं, सामने अगर मिरर लगा तो बेड रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन बेड अगर इस वाली वॉल पे लगा तो बेड उस पर रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, मिरर लगा मिरर। इस तरीके से हम कर सकते हैं, या बेड अगर इस मिरर इस वाले कॉर्नर पे लगेगा ऐसे लगा तभी बेड रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बेड रिफ्लेक्ट दिखना नहीं चाहिए उसमें, हाँ बेड उसमें दिखना नहीं चाहिए। और मिरर को कोशिश यही करनी चाहिए ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे ही लगाना चाहिए, ईस्ट और नॉर्थ वॉल के अलावा अगर आप कहीं भी मिरर लगाते हो तो डिस्टर्बेंस करते ही करता है, क्योंकि मिरर के अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो किसी भी चीज को 16 टाइम्स बड़ा कर देता है, ठीक है, इसीलिए सही डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ा देगा, गलत डायरेक्शन में लगेगा तो उस डायरेक्शन की बैड एनर्जी को बढ़ा देगा, इसीलिए मिरर नहीं लगा। नाउ साउथ इज द जोन ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज द जोन ऑफ अर्थ,
अर्थ का मतलब इसका एलिमेंट अर्थ होता है, ठीक है। तो वॉटर इज दिस डोंट कैंड डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। पानी इस डायरेक्शन का, जो पानी होता है, पानी का मतलब ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बाथरूम, ठीक है, वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए साउथ वेस्ट में कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। ये ड्राई डायरेक्शन जितनी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। स्टोर के लिए अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, बट नॉट गुड फॉर एनी काइंड वाटर एक्टिविटी वाले है। वॉशरूम वगैरह यहाँ पे नहीं बनाने चाहिए। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, बहुत छोटी सी है लेकिन लाइफ को इफेक्ट कर जाती है, शायद उसके बारे में आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता होगा, और इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द वास्तु, दैट इज घड़ी, क्लॉक, ठीक है। घड़ी से मतलब ये वाली नहीं है, वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूँ। वॉल क्लॉक हम प्लेस कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता वॉल क्लॉक प्लेस करने से भी हमें फायदा या नुकसान हो रहा है। देखिए वॉल क्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो वॉल क्लॉक का कलर, उसका कलर, उसका शेप, शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज आती है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको प्लेस करनी चाहिए। आइडियल डायरेक्शन फॉर कीपिंग वॉल क्लॉक इज ओनली ईस्ट एंड नॉर्थ। घड़ी को हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं भी लगाते हैं घड़ी को, कहीं भी आप लगाते हैं, तो वेस्ट या साउथ में लगाते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। घड़ी को कभी भी, और साउथ में तो कभी नहीं लगाना चाहिए साउथ वॉल पे, नेवर एवर कीप अ वॉल क्लॉक ऑन द साउथ वॉल, क्योंकि वो साउथ की नेगेटिव एनर्जी को रोटेट करना शुरू कर देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है शेप ऑफ द क्लॉक, शेप क्या होनी चाहिए। आइडियल शेप टू पुट द वॉल क्लॉक इज, अगर आप ईस्ट में लगाते हो, इट शुड बी ऑफ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप क्यों होनी चाहिए। एंड इफ यू आर पुटिंग द वॉल क्लॉक ऑन द नॉर्दर्न वॉल, इट शुड बी ऑफ नॉर्थ रेक्टेंगुलर शेप। अगर किसी वजह से वेस्ट वॉल पे लगानी पड़े तो राउंड शेप होगी, नॉर्थ में राउंड नहीं, नॉर्थ और ईस्ट में राउंड नहीं लगाना। अगर कभी मजबूरी है, अपने पास चॉइस नहीं है, वेस्ट में लगाना पड़ा तो फिर राउंड शेप। एक आज मैं आपको और टिप देता हूँ, बहुत अच्छा टिप है, यूजफुल टिप है, एंड इट इज एक्चुअली रिलेटेड विद योर फाइनेंसेस, गुड फाइनेंसेस, ठीक है। वी यूज टू कॉल देम मैजिक टिप्स, जिनको हम मैजिक टिप बोलते हैं। वास्तव में आप अपने घर की, अपनी बिल्डिंग के वेस्ट में एक राउंड वॉल क्लॉक लगाइएगा, ठीक है, और उसका जो आउटर डायल होता है ना, आउटर जो रिंग होता है, दैट शुड बी ऑफ गोल्डन कलर और येलो कलर। ठीक है, वेस्ट में अगर आप वो लगाते हो, राउंड क्लॉक लगाते हो, तो और येलो या गोल्डन अगर उसका आउटर होता है, तो वो आपके फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बहुत बेनिफिट देता है। आप ये बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने जाकर के, खाली आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तभी आपको लगने लगेगा कि आपको बेनिफिट होने शुरू होगा। आप ये करिए और देखिए, दो दिन में कोई चीज नहीं बदलती, पहली बात आप समझ लीजिएगा। वास्तु में जादू नहीं होता कि कोई करे और तुरंत छड़ी घुमा दी और जादू हो गया, टाइम लेता है एनर्जी का बैलेंसिंग होने में, लेकिन एक बार एनर्जी की बैलेंसिंग शुरू हो जाती है फिर चीजें बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर। तो आप ये लगा करके देखिए। हाँ सर,
बीम पे भी नहीं लगानी चाहिए और इस पे भी नहीं लगानी चाहिए, ये एंट्रेंस पे। मतलब कोई डोर एंट्रेंस, कोई डोर एंट्रेंस, ये डोर एंट्रेंस है तो अभी तो इसके ऊपर तो वॉल नहीं है, लेकिन अगर इसके ऊपर वॉल रहती है तो इसके ऊपर भी नहीं लगा। एंट्रेंस के सामने लगाए गए, एंट्रेंस सामने लग सकती है लेकिन एंट्रेंस के ऊपर नहीं लगा। घड़ी कैलेंडर कभी नहीं डाल देखिए, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। हमारा एक वॉल क्लॉक था ना, वो डोर के ऊपर ही था, बार बार बंद ही पड़ता, चलता ही नहीं था। नहीं नहीं देखिए, वो तो खैर बंद और उसका तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चांस भी हो सकता है कि वो बंद हो गया। इट्स नॉट बीइंग लाइटेड के ऊपर रहेगी तो चलेगी नहीं। लॉजिकली क्या होता है, जैसे सपोज ये एंट्रेंस है, यहाँ पर हमने घड़ी लगाया है, कोई भी चीज़ टांग दी, कभी ऐसा होता है वो कील कमजोर हो गई, कुछ हो गई, आप जानो तो पता लगा आपके ऊपर ही जमीन है ना, तो इट कैन हार्म यू, है ना। पता नहीं होता ना कभी वो कील कमजोर हो गई, कुछ भी हो गया तो वो गिरती तो हार्म भी करते कर जाती, इसीलिए आपके सिर के ऊपर आने जाने के रास्ते के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं। साइंटिफिकली है मतलब बेसिकली, एक्चुअली क्या है बहुत सारी चीजें साइंटिफिकल है जिनको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट इसलिए कर देते हैं कि उसको आदमी डर से तो किसी चीज को मान लेता है, कई बार साइंस की वजह से आदमी नहीं मानता, डर से आदमी ज्यादा मानता है चीजों को, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो इसीलिए आपको उसके ऊपर घड़ी मिला। अच्छा, कट ईस्ट, कट ईस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डायरेक्शन है वास्तु से, इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है वो पूरी होनी चाहिए, तो कट ईस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो कटा हुआ है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सपोज ये मतलब वास्तु के हिसाब से क्या है कि सारी चीजें पूरी डायनेटिक एंगल होने के हिसाब से, और पता लगा वो इस तरह से हो गया, कट हो गया ना पार्टी, तो ये जो कट पार्ट होता है कभी भी अच्छा नहीं, मिसिंग पार्ट्स इनको बोलते हैं वास्तव में, दी आर नेवर गुड, क्योंकि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है ना, अगर वो कट हो गया तो यानी कि स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम होने से क्या है तो उससे होने वाले बेनिफिट्स है वो हमें नहीं मिल पाते, वो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, तो दिस इज नोन एज कट ईस्ट। कट ईस्ट ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी ऊपर जो होती है, ये डस्टबिन, डस्टबिन अगर अपन लोग रख देते हैं, डस्टबिन स्टोर रूम ईस्ट में अगर होता है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है पॉजिटिविटी आपको, इसीलिए एंट्रेंस के पास कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। एक और कॉमन इशू जो आता है, जो जो भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके साथ आता है, शू रैक का, वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि शू रैक शूज अंदर जाते नहीं है और इतने स्पेसेस होते नहीं कि आप शू रैक को कहीं और रख पाओ, तो हम चाहे या ना चाहे लाइकली और अनलाइकली शू रैक हमेशा एंट्रेंस के पास ही होती है, आइडियली एंट्रेंस के पास शू रैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूते क्या होता है बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से पता नहीं हम जमीन में चल के जाते हैं कितनी सारी एनर्जी इसको लेकर के जा रहे हैं, वो सारी एनर्जी जो है हमारे घर के दरवाजे पे आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसका क्या तरीका है, शू रैक इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड, तो हमें बंद वाला शू रैक बनाना चाहिए, ठीक है, वो शू रैक बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास, अगर रखना मजबूरी है तो बंद, जिसमें शूज दिखाई ना दे, ओपन शू रैक कभी मत रखिए, और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होनी चाहिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं होनी चाहिए फैले हुए जूते चप्पल, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप उस शू रैक के ऊपर यू कैन पुट सम फ्लावर्स ओवर देयर टू मेक इट मोर पॉजिटिव, उस
उसको आप पॉजिटिव करने के लिए आप उसको कुछ प्लांट्स पर रख सकते हो, थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाएगा कि आपको भी घुसते हुए बुरा ना लगे, आपको भी अनइजीनेस फील ना हो, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है, जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का, नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, दैट इज क्लटर, कबाड़, भंगार, ठीक है, जो कि हमारा ध्यान ही नहीं देता। क्लटर में खाली यही कूड़ा, क्लटर का मतलब ये होता है वो चीजें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से, वो भी क्लटर में आते, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर ओनली, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी अनयूज चीजें जो आपको यूज ही नहीं करनी है वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीजें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, निकालते नहीं है, वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है, ठीक है। घर में पुरानी वाइफ रहे तो सर पॉइंट लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना बच्चों से पूछ रहे। देखिए हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा, लेकिन बच्चों को क्या पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो सही बता सकते। कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं चाहिए, वो हमेशा कहेगा पेरेंट्स बच्चों से नहीं मम्मी चाहिए क्या ये भी, और ये पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं चाहिए, नहीं पापा नहीं, पापा यही सही है, मम्मी चिल्लाती लो पापा नहीं चिल्ला, सर प्यार भी मम्मी करती है पापा को नहीं बच्चों को, पापा को लेके तुम्हें तो पापा लगे कोई बात ने बताया ब्लू ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में, वाटर बॉडी बोरिंग साउथ और साउथ ईस्ट में, फाइनेंस और कंसीविंग की भी प्रॉब्लम, कंसीविंग मतलब जैसे चाइल्ड इश्यूज होते हैं ना, कि जैसे कि भाई कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। अगर कहीं पर ऐसा है कहीं पे लगे कि भाई कंसीविंग ही नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, तो देट कैन बी वन, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट, इसको भी जरूर चेक करना चाहिए। और फीमेल हेल्थ, अगर कहीं पर लेडीज को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो ये जरूर देखना। आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लटर, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आज की तारीख में, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं, तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना इंसोमेनिया होता है, लोग सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, या सपने बहुत खराब खराब आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना, बस दो घंटे सो पाते हैं, तीन घंटे सो पाते हैं, नींद भी नहीं आती, अनरेस्ट रहता है, तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट के बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई है, उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। बेड में सिर्फ आपके लिनन होने चाहिए, यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए, आप भले ही अपने पहनने के कपड़े रखें, आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें, कुछ भी रखें, लेकिन वही चीज रखें जो यूजेबल हो, लेकिन कोई भी क्रॉकरी मेटल ये सारी चीजें कभी बेड के अंदर नहीं, ये बेड के अंदर रह गए रहेंगी तो ये निश्चित तौर पे आप ये सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है हेल्थ इश्यू में ट्रेंड अप हो जाता है, कोई भी चीज लंबे समय से चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं होना, जितना कबाड़ घर में रहेगा, जितना अनसिस्टमाइज चीजें रहेंगी उतना आपको डिस्टर्ब होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली, कि द पीपल दोज आर बोर्न ऑन 9th और 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होगा।
बाकी के दिन वाले सर बाकी के और भी दिन बहुत पैदा हुए। ये वाला चांद वो वाला चांद जो ऊपर जो सबके लिए चांद है सर आपको पसंद है तो वो चांद करवा गया इसमें एक शेर बोलता हूँ तुम चांद जैसी हो तुम चांद जैसी हो नूर भी गुरूर भी और दूर भी अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है थीके? तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा मत होने और पता है आपको जब किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं ठीक है किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबड़ खुलवा के देखते हैं उसकी कबड़ खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है वो क्या सोचता होगा कैसे रहता होगा क्या काम करता होगा उसी सिर्फ कबड़ खुलवाने से पता लगता कैश दिखता है उसमें कैश देख के कैश नहीं सिर्फ कपड़ों वाली को अच्छा कैश देख के मालूम पड़ेगा ना कितना पैसा कैसे रहता है नहीं सर कपड़ों वाली कबड़ खुलवा के पता लगता कैश वाली देखा कैश से एकदम पूरा मालूम पड़ेगा सर मैं आपको सही बताऊँ अब दिखाते सब कैश वाली भी है वो तो दिखाती है भी कोई पर्सन ने बताता तो यही लाइव लोकेशन भेज दिया तो क्या होता है आप उसकी कबर्ड को देखिए आप पता लगा सकते हो कि उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज बता सकते हो देखिए क्या है उसका जो अपनी अलमारी को रखने का तरीका है वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूरा बताएगा अगर उसकी अलमारी अपसेट है तो यानी कि वो व्यक्ति अपसेट होगा ही होगा और उसकी अलमारी वेल ऑर्गेनाइज है तो पर्सन वेल ऑर्गेनाइज है इसलिए उसकी कबर्ड आपकी फैमिली नहीं होनी चाहिए स्पेशली वाइफ लोग बताते हैं कबर्ड तो ओपन क्या करें मेरा तो वाइफ बताती है कबर्ड में कपड़े रखना जो भी मेरा ये तो वो है न्यूमरोलॉजी के टर्म्स है जिन डेट्स को जो बॉर्न होते हैं उनको ये सब करना अब मैं आपको एक और बहुत अच्छा टिप बताता हूँ वास्तु के हिसाब से जो सर आ गया फुलमून आ गया 2/11/2029 फुलमून आ गया पूरा चांद आ गया एक और लाइफ चेंजिंग टिप बता रहा हूँ कुछ करने के बाद आपको लाइफ में जब मैं बहुत अच्छा करता है आपको क्या करता है जैसे आपका डोर होता है ठीक है मेन डोर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ओनली ऑफ योर बिल्डिंग ऑफ योर हाउस और व्हाटएवर इट इज मेन डोर पे ये मेन डोर है एक लाइट आपको बाहर लगानी है इसपे इधर से और एक लाइट अंदर से लगानी है ठीक है दो लाइट आपको लगानी है और फॉल लाइट लगाइए फॉल जो डाउन लाइट होती है ना डाउन लाइट लगाइए और वो आपको क्या करना है पूरी रात जलाइए ये शाम को 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है उसके बाद से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको जला के ये करिएगा आपको विद इन 21-30 डेज के अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा
आपको कितना बेनिफिट होना चाहिए, बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से काम करता है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है, ठीक है। बट लाइट की जो फॉल है वो आपके डोर पे इधर आनी चाहिए, ऐसे मत लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा जो डाउन लाइट, ठीक है। आप इसको देखेंगे और आपको इसका बहुत अच्छे रिजल्ट। ये छोटे छोटे टिप्स इस तरह के मैंने आज आपको बताए जो आप कर सकते हो, बिकॉज आप लोग यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू आर नॉट इनटू द वास्तु, तो क्या है कि अभी आप बहुत डिटेल्स में जाओगे तो आपको डिस्टर्ब होने के चांसेस है। कई बार क्या होता है कि ठीक करने की बजाय गलत कर सकते हैं, लेकिन द थिंग विच आई हैव टोल्ड यू दे आर प्रेटी इजी टू डू, बट दे आर एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो आप इनको करिए एंड यू गेट द बेनिफिट फ्रॉम देम, और देन यू टेल मी। आप अपने अपने आप डायरेक्शन आपको समझ आई गई है, ये लाइफ चेंजिंग टिप्स होता है, मैंने आपको जिससे आपको बेनिफिट होगा। नाउ इफ यू पीपल आर हैविंग सम क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क, आपको अपने घर का कोई इशू है या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। एक मैंने ब्रीफिंग आपको शॉर्ट ब्रीफिंग कर दी है, क्योंकि वास्तु तो बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वन और टू आवर्स ओनली, है ना, इट टेक्स टाइम। बहुत सारी अनटच्ड चीजें हैं जो हमने अभी टच ही नहीं कर दिए। इतने आश्चर्य है कि आप जब सुनते रहोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी होता है, ऐसा भी होता है, फिर आप अपने घर की चीजों को देखना शुरू करते हो, अरे ये यहाँ ऐसा है, ये वहाँ ऐसा है, तो आपको समझ में आता है कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, है ना। बट वो हम बाद में कभी करेंगे। आपका नंबर दे सकते हैं, आप इनको कुछ रहेगा तो पूछ लेंगे। हाँ यू कैन टेक माय नंबर 98। सर जो आए थे यहाँ एक विजिट के लिए आए थे, वो वास्तु विजिट की लोनावला में ना सर, लोनावला में थी, पुराना क्लाइंट भी हमारा, कल पुराना क्लाइंट भी मिला, 16 साल हो गए सर, 16 साल हम लोग ने इंटीरियर किए थे, सर ने वास्तु किए थे, नेरुल नहीं छोटे हमारा जो फ्लैट्स होते हैं आजकल, मतलब फ्लैट सिस्टम में होते हैं, उसके अंदर में रूम होते हैं 2 BHK 3 BHK, तो व्हेन वी आर सेइंग एवरी रूम हैज सम फर्नीचर समथिंग, तो व्हेन यू प्लेस है, जैसे नॉर्थ को हमको ओपन रखना है, अगर बेडरूम है या अलग रूम है उसमें हमने नॉर्थ में कुछ कैबिनेट बना दे, तो इधर ओके या शूड सी ओनली द नॉर्थ ऑफ दैट एंटायर प्लॉट। देखिए नॉर्मली तो हमें नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट देखना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द एंटायर प्लॉट कैटलॉग तो वो भी अपने आप में सफिशियंट होता है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन साथ ही साथ हमें जो एक हर यूनिट को पूरा वास्तु मान के हम चेक करते हैं, हम जब किसी भी जगह का वास्तु करें तो ये ऑफिस है, अगर हम इसका वास्तु करेंगे पहले तो पूरी यूनिट का देखेंगे, फिर वी विल सी द सर्च चैम्बर ऑल्सो, ये चैम्बर का नॉर्थ कैसा है साउथ कैसा है, तो उसको भी देखना चाहिए एज मच एज इट इज पॉसिबल, तो वी कैन कीप इट लाइक उसी हिसाब से करते हैं। तो हम जो मेडिसिन जो होते हैं कहाँ रखनी चाहिए इसका भी कुछ? हाँ मेडिसिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं रखेंगे जीवन और मेडिसिन खत्म ही बढ़ जाती है। मेडिसिन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ अगर आप उसको सही डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, इसलिए मैं आपको बताया ना हर चीज़ के लिए जगह होती है, हर चीज़ के लिए मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो यू कैन कीप इन नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ की तरफ अगर आप मेडिसिन रखते हो तो क्या होता है उन मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ जाती है, जो हीलिंग उनसे वो मेडिसिन खाए थे जो हीलिंग आपको 4 दिन में होती थी वो हीलिंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती थी, वो हीलिंग आपको 3 या 2 दिन में हो जाती, उनके अंदर की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से प्रॉपर डायरेक्शन को चेक करके मेडिसिन रख पाते हैं तो जैसे
सपोज एक पर्सन वॉज ईटिंग हैविंग 10 टैबलेट्स पर डे, तो पता लगा वो 2 या 3 टैबलेट्स पे आ गया और हील हो गया, जल्दी क्योर हो गया। तो प्लेस ऑफ मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट इस बात को, और उसको अच्छे से ध्यान से। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने बेड से, जो लोग अपने हेड साइड पे मेडिसिन रखते हैं, उनकी मेडिसिन कभी खत्म नहीं। हमारी मेडिसिन किचन में, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। नहीं, किचन में अगर आपकी मेडिसिन है तो फिर आप मेडिसिन खाने के तरीके से खाना शुरू कर दो। बिल्कुल जैसे आदमी को लगता है ना खाना खाना जरूरी है, ऐसे आपको लगेगा कि दवाई खाना भी जरूरी है। किचन में कभी मेडिसिन दो, बेडरूम में होनी चाहिए और किसी जगह होनी चाहिए? नहीं, बेडरूम में नहीं, मैं आपको बता दूँ, मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो पहली कोशिश आप ये करिए आपके अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उस पर टूवर्ड्स नॉर्थ रखिए मेडिसिन अगर पॉसिबल है तो। कोशिश यही करिए मेरे लिए रखने की। इन केस अगर वो पॉसिबल नहीं है, 1% में नहीं हो पा रहा है, तब आपका जो अपना बेडरूम है उसके नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ पर रखें। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आपको फर्क आएगा, आपको फर्क पता लगेगा कि पहले रखी हुई मेडिसिन और आपकी रखी हुई मेडिसिन की क्या डिफरेंस है। सर ये कैमरा कहाँ रखना चाहिए? सर लाइक इन साउथ वेस्ट अपने बोलते हैं मास्टर बेडरूम्स के लिए यू शुड अवॉइड ब्लू कलर्स का एनीथिंग, तो सोफा इज नॉट गुड। तो जैसे हमारा लिविंग रूम ईस्ट में, तो लाइक उसके लिए कलर्स कैसे रहेंगे? ईस्ट में ग्रीन कलर इज वेरी गुड फॉर ईस्ट। किचन में किचन में प्लेसमेंट ऑफ वाटर एंड सिंक गैस शुड बी लाइक दिस, एल शेप में, नॉट अपोजिट, एल शेप अपोजिट तो नहीं, लाइन में नहीं आना, एक लाइन में नहीं आना। एंड व्हाट इफ अगर ऐसा रीजन हो कि यू हैव टू कीप इट अपोजिट, टू कीप इट अपोजिट रखना पड़ा जस्ट इन केस, तो अपोजिट अगर रखना पड़ा ना तो एग्जैक्टली अपोजिट मत रखिए, आपको डायगोनल कर दोगे। एंड व्हाट अबाउट द रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर सेम anything मतलब क्रॉस में? हां एक्चुअली वैसे ये ट्रायंगल ही होता है। ओके एक्चुअली क्या होता है ये हो गया, ये फ्रिज हो जाता है आपका, कब्स लाइक दिस ट्रायंगल होता है ये, मतलब आइडियली इस पर वास्तु का प्लेसमेंट करते थे हम लोग, डिजाइन कराते हैं जो बड़ी-बड़ी किचन बंगलों वगैरह में रहती है, तो उनमें तो क्या होता है कि आपके पास स्पेस होता है, अब वो किचन 15x15 की बना रहा है तो उसको तो आराम से मैनेज कर लेता है, क्योंकि बंगलोर में तो 15x15 20x20 फुट की किचन होती है, बड़ी भी आती है। अभी तो क्या हो गया है, अभी तो जो वेल एफ्लुएंट पीपल है दो दे यूज टू मेक टू किचन, एक इंडियन किचन और एक यूरोपियन किचन, तो उसमें क्या रहता है जो जो कढ़ाई वाला काम रहता है ना, तलाई तल्ले और सब वाला, वो तो इंडियन किचन होता है, तो उसको इंडियन भी बोलते हैं, सर्वेंट किचन भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी कुकिंग भी ज़्यादातर मेड्स की ही करती है, और उनकी जो एक किचन होती है दूसरी कॉस्मेटिक किचन होती है। कॉस्मेटिक किचन इज मेजरली यूज फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो माइक्रो वाइक्रो करने के लिए होती है, तो इट इज बीइंग लाइक इट। अभी तो क्या लिविंग पैटर्न्स आर चेंज ऑफ पीपल, बट वो बंगलोज में होते हैं, तो आइडियली किचन इस तरह से होना चाहिए कि आपका किचन में गैस जो है शुड बी इन द ईस्ट एंड सिंक शुड बी इन द नॉर्थ। एक ही साथ ये सिंक और ये गैस है वो काफी थोड़ा मतलब लेंथ में ज्यादा है,
जैसा ये कॉर्नर पे गैस है शिफ्ट किया और ये कॉर्नर पे जैसा सिंक है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर देखिए ज्यादा डिस्टेंस है सपोज, मतलब डिस्टेंस बोले तो मतलब 2-3 फुट का तो ज्यादा नहीं मानते, बाकी 6-7 फुट का है तो फिर भी इम्पैक्ट कम होता है। बहुत ज्यादा बगल बगल होता है तो वो खराब होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या था कि फ्लैट्स वगैरह में किचन साइज ही बहुत बड़ा नहीं होता। उसके लिए तरीका ये होता है, अगर सपोज इन एनी केस आपके वो आते ही पास में तो आप बीच में एक पार्टीशन सॉर्ट ऑफ पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे वो ग्लास का कर दीजिए चाहे वो पत्थर का कर दीजिए, एनी काइंड ऑफ पार्टीशन के एडमिट आशुतोष, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप चीजों को ना अवॉइड नहीं कर पाते तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं, तो दैट कैन बी डन। देखिए रग्स और कारपेट जो होते हैं रग्स एंड कारपेट आर बेटर टू बी केप्ट इन साउथ और साउथ ईस्ट। कभी भी ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में कारपेट मत डालिएगा, परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ कारपेट इन नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज बेटर। वो आपको क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैसे का नुकसान चलाएगा और डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ करेगा। It should be always placed in south or southwest. जैसे कि अभी तो मतलब छोटे घर होते सबके, किचन बेड एंड थ्री रूम, तो एग्जैक्टली हमारी जो पूजा रूम होती है उसका मतलब डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। नहीं नहीं, अगर मतलब स्पेस कम है, किचन और हॉल हमारा एक साथ है, तो उसको प्लेस कैसे करना चाहिए, या लिविंग में या किचन में? लिविंग में, किचन में पूजा कभी नहीं होती। पूजा और अर्चना दोनों, पूजा और अर्चना दोनों, आराधना भी नहीं, स्तुति भी नहीं होनी चाहिए। एक हुआ आज का वो जोक चल रहा था ना, वो बोलते ना ऑफिस में जाके मेरे को आज छुट्टी चाहिए, उसका बॉस पूछता है कि क्यों छुट्टी चाहिए 14 फरवरी को तुमको, तो बोलता है कि मेरे घर में आज पूजा और अर्चना होगी। स्तुति है ना, आराधना भी नहीं होनी। लक्ष्मी तो सबसे पहले, लक्ष्मी तो सब बाकी सब आ जाते हैं। कार्पेट्स कहाँ अवॉइड करने? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सर पहले के टाइम में जैसे एलईडी नहीं था लाइट में, पहले ऑरेंज कलर का ये लाइट आता था हॉल में, तो अभी जो एलईडी जो लगाते हैं तो क्या ऑलमोस्ट मतलब जो है शिफ्ट करने का, तो हर एक जगह मैं एलईडी यूज कर सकता हूँ कि कहीं कहीं ऑरेंज लाइट जैसा बेसिकली हमको? ऑरेंज लाइट तो पहले भी कभी नहीं थी, ऑरेंज नहीं वार्म लाइट थी, बल्ब की लाइट वार्म लाइट होती थी। नहीं, ऑरेंज लाइट भी एक होती है, थोड़ी वार्म के भी थोड़ी सा आगे जाती है, थोड़ा ऑरेंजेस रहते हैं, येलोइश रहती है, येलोइश हां ज्यादा, मतलब ऑरेंज के थोड़े बहुत नजदीक। नहीं वो तो देखिए अगर आप पर्पसली कोई कलर का लाइट लगाना चाहते हैं तो अलग बात है, जैसे कोई ग्रीन लगाता है, कोई ब्लू लगाता है, कोई रेड लगाता है, वो तो अलग बात है। अगर आप जनरल देखेंगे लाइट, ये तो व्हाइट होती है, ये येलोइश लाइट होती है, उसके अलावा तो कोई लाइट होती नहीं।
एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊँ, बेसिकली क्या है कि जैसे लाइट्स में ना, जैसे ये वाइट लाइट है या हल्की येलोइश वार्म लाइट है, वो तो कभी नुकसान नहीं करती है। लेकिन इसके अलावा आप जैसे अगर लाइट लगाते हो, ब्लू कलर लगाते हो या रेड कलर लगाते हो, ग्रीन कलर लगाते हो, तो ये तब लगवाई जाती है जब हमें इनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। ये हम डायरेक्शन वाइज लगाते हैं, अगर कहीं पे हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है, हमें इस लाइट से एनर्जी बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अदरवाइज अगर आपने ऐसे कहीं भी लाइट लगा दी तो वो बजाय फायदे के आपको नुकसान कर जाएगी। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग ना क्या करते हैं, लाइट रेड लाइट का बहुत यूज करते हैं, आप देखते होंगे जनरली। ब्लू और ग्रीन तो इतना लोग नहीं लगाते, लेकिन रेड का ज्यादा यूज कर लेते हैं कई बार, कभी रूम में लगा दी कभी कहीं लगा दी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो रेड लाइट उल्टे हमें नुकसान कर रही है। क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी अपनी एनर्जी देती है आपको, तो अगर आप वो पर्टिकुलर की लाइट अगर आपने लगा दी और वो लगातार जलनी शुरू हो गई तो वो आपको नुकसान करेगी। इसलिए हम भी लाइट लगवाते हैं वास्तु में, ऐसा नहीं, हम भी खुद बोलते हैं क्लाइंट को कि भाई यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट लगानी है, यहाँ पे ब्लू लगानी है, यहाँ पे रेड लगानी है, लेकिन वो देख के एज पर रिक्वायरमेंट लगवाई जाती है। गलत जगह पे लगी हुई लाइट नुकसान देगी हमेशा। एक्चुअली जब आप छोटी छोटी चीजों को, जब आप थोड़ा डिटेल में वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम को हम अपने आप ही दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर जानकारी हो जाए तो हमें फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपने ही वर्किंग प्लेस पे या अपने घर में ही देख करके आप अपनी चीजों की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ये इसलिए बहुत अच्छी चीज है कि ये आपको खुद आपकी चाबी वो दे देती है, होल्ड देता है, आप किसी और पे डिपेंड नहीं होते कि आप इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, आप खुद कर सकते हो अपने लिए समाधान। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है, बाकी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपको निश्चित तौर पे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है। आप इतनी अच्छी चीजें हैं कि अगर आप करते हो तो आपको अपने आप बदलाव मिलने शुरू हो जाते हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, ऑफिस का माहौल अच्छा हो जाता है, आपकी अपनी सोच अच्छी हो जाती है, आपकी अपनी ताकत अच्छी हो जाती है, हेल्थ वाइज भी आप अच्छा फील करते हो और आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हर चीज में बेनिफिट होता है, क्योंकि ये एकदम मिरेकुलसली काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बस थोड़ा समझने की जरूरत है, जब आप समझना शुरू करते हो तो फिर आप खुद रिलेट कर लेते हो मुझे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसलिए हम तो पेंटिंग वेंटिंग भी आसानी से हर एक को हर तरह की लगा देते हैं, स्टैचू पेंटिंग भी लगा देते किसी को, क्योंकि कई बार परेशानी बड़ी चीजों में नहीं होती, छोटी छोटी चीजों में होती है और उसको दूर करते ही एक दो से समस्या खत्म हो जाती है। बट अभी तो सर फैशन हो गया ना, तो मतलब पिक्चर बनाने का है, ये बनाने का, अंदर से क्लाइंट लोग कह रहे थे कि अच्छा दिखना चाहिए, तो कुछ भी हो। देखो आप मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखो हमारा भी काम देना आर्किटेक्ट के साथ ही होता है, इंटीरियर डिजाइनर के साथ होता है, हम वास्तु कर रहे हैं तो हमारा और आपका तो चोली दामन का साथ है, अगर आप समझो है ना भाई, हमारा काम आपके बिना नहीं चल सकता, और आज की तारीख में चूंकि वास्तु इतना हो गया कि आप लोगों का काम भी वास्तु को नहीं चल सकता, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ड्यूटी है वो ये है कि हम क्लाइंट को बता दें कि भाई देखो ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो मानते हैं या नहीं मानते, फिर उनके अपनी कॉल होती है। लेकिन हमारा प्रोफेशन है, कोई आदमी अगर हमसे कंसल्ट कर रहा है, हमारी एडवाइस दे रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सही बात बतानी चाहिए कि देखिए ये चीज ठीक नहीं है, इस चीज के गलत रिजल्ट हो सकते हैं, उसकी बात भी नहीं मानते तो अलग बात है। या फिर हम ये देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी होती है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर, हेल्पलेस होते हैं, या तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आदमी को करने से रोक देती हैं। तो फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी मजबूरी है, हम इतने कितना ही बता दिए कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालते हुए चलते हैं कि कम से कम उसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए, ये भी करते हुए इस तरीके से भी होता है अगर वो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है तो, ये इसका तरीका है। बट हमें नॉलेज होगी तो देखो क्या है कि आज आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो,
आपने किसी का घर डिजाइन करा, तो उस व्यक्ति को घर ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं भी जाके अगर उसको अच्छा रहता है, उसका जीवन अच्छा होता है, तो आपको बड़ी दुआएं देता है ना। वो कहता है कि देखो जब से मैं घर में आया हूँ, मेरी दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है, मेरा जीवन बहुत सुकून से है। भाई आप कोई आदमी बीमार है, आपने उसके कुछ ऐसी चीज़ बता के करा दी, मतलब उसकी बीमारी खत्म हो गई या बहुत कम हो गई, तो वो आपके लिए कितनी आपको कितनी दुआएं देगा। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको फिर इसलिए अप्रिशिएट भी करता है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का भला ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छा करके चलोगे तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर वाले से भी तो ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अच्छा करके चलते हो तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसे होनी चाहिए। पता नहीं है फिर तो हम भी गलत नहीं है, जब मुझे मालूम ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या, तो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर पता है तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूँ सही से। सर कमर्शियल ऑफिसर्स में जो डेस्क होता है मतलब एम्प्लॉयज का, उसकी फेसिंग्स कैसे होनी चाहिए मतलब डायरेक्ट? देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जो हम कमर्शियल ऑफिसर्स में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज को ईस्ट में या नॉर्थ में बैठाना चाहिए फेसिंग करना। नॉर्थ मतलब ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग में? हाँ मतलब जो भी एम्प्लॉयज काम करें उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। समथिंग में कैसा फ्रेंच दरवाजे के सामने डेस्क नहीं होना चाहिए, छोटा वो थोड़ा मतलब साइड 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 जस्ट चलने में भी मतलब जैसे ऐसे मानिए जैसे दरवाजा है ठीक है, इस दरवाजे के एकदम ठीक सामने आपकी टेबल कभी नहीं होगी। टेबल चेयर जैसे ये दरवाजा है यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दरवाजे से सीधा हिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो हिटिंग होती है ये हमेशा डिस्टर्बिंग होती है, वो कभी नहीं होना चाहिए। वो चाहे बॉस का हो या बेडरूम में भी अगर आप डिजाइन करा रहे हो बेडरूम में, जैसे सपोज बेडरूम में ये बेड है और ये दरवाजा है, तो तभी भी आप ध्यान रखिएगा एकदम बेड दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मतलब डायरेक्शन इश्यूज हो तो अगर आ जाए तो स्लीपिंग पोजीशंस या उसके लिए तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बाय चांस नहीं हो पाता तो दरवाजे के एकदम सामने आपके पैर कभी नहीं होने एंगल मतलब जैसे जैसे ये डोर है ये आपका बेड पड़ा हुआ है तो पता लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैर एकदम डायरेक्ट दरवाजे की तरफ है। अगर यहाँ पे बेड है तब इधर साइड पैर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, सामने वॉल आ रही है, लेकिन जस्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द डोर यू शुड नॉट हैव योर लेंथ। सर जो वॉल पेंटिंग जो लगता है ना फ्रेम में वो किस टाइप की होनी चाहिए, उसके टाइप्स रह गए मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है। सलाम सर कब मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है सो इज इट गुड? क्या होता है एक ना चीज होती है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है? विजन बोर्ड का मतलब ये होता है टू मैनिफेस्ट द थिंग। जैसे आपका कोई सपना है किसी चीज का, कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो, लाइक से आप एक कोई पर्टिकुलर कार है आपको BMW रेंज रोवर ऑडी कोई भी कार आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो उसके लिए एक विजन बोर्ड हम लोगों को बताते हैं। एक्चुअली आई एम इनटू मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग आल्सो, मैं क्या है उसके लिए भी काम कर रहा हूँ कि टू टेक आउट द पीपल फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज, तो उसके लिए भी सेमिनार्स वगैरह करते हैं एंड कीप द टॉक्स आल्सो। तो विजन बोर्ड को हम उसको बोलते हैं कि टू अचीव योर ड्रीम्स आप एक बोर्ड बनाइए उसको पिक लगा दीजिए, वो पिक लगा ऐसी जगह लगाइए जो आपके हमेशा आंखों के सामने रहे। तो क्या होता है उसका विजुअल इम्पैक्ट ये होता है जो आप देखते रहते हो ना वो धीरे 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 आपकी सबकॉन्शियस में जाती रहती है, आपकी जो सबकॉन्शियस में जाती है तो वो एक दिन मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है। तो दिस इज नोन एज टू बी द विजन बोर्ड। दिखती हुई चीज बहुत इफेक्टिव होती है, इसलिए पेंटिंग्स आप जब भी घर में लगाते हो या कहीं पे भी लगवाते हो
तो पेंटिंग शुड नॉट बी नेगेटिव. जैसे कई बार सैड मूड की पेंटिंग्स होती है, ठीक है, या आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है अकेली लेडी की पेंटिंग होती है सैड फेस वाली, या वीपिंग लेडी की फोटो होती है, इस तरह की कमी नहीं रहती. इवन जो जो ये होते हैं शेर चीते वगैरह की फोटो भी नहीं लगाती, एंड कोई भी वॉर सीन नहीं लगा रहती कभी. सर अगर वीपिंग लेडी की फोटो नहीं है, अगर लेडी वीपिंग रही घर में तो जिसकी शादी होगी उन लोग से पूछो आपकी भी तो होगी ना सर. सॉरी सब लोग आगे आ जाओ, सर का आशीर्वाद दो. Thank you for all the important information. सर आप इधर आ जाओ, मैं उधर से सर को घेर लो. सर आ जाओ, सब लोग आ जाओ, बॉयज एंड गर्ल्स आ जाओ मैदान में. और थोड़ा स्माइल अच्छा वाला, मुंह बंद स्माइल प्लीज. वन मोर. थैंक यू. आपके पास अभी नंबर तो है सर का, आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा आप कॉल कर लो, पूछ लो सर से कुछ रहेगा तो. एक दिन कैमरा लगा था, एक दो तीन कैमरे का शूट.